बॉबी संभल के यार। आई एम एन इंडियन। अरे तू अंदर आके बैठ जाना यार। बॉबी हमारी बात सुन। बॉबी तुम बात मानते क्यों नहीं? अरे मैं डर लग रहा यार। इंडिया। बॉबी। अरे तू पागल हो गया क्या? ए बॉबी गिर जाएगा यार। बॉबी समझ यार मेरी बात। तुम चुप रहो। बॉबी बस कर यार, माफ कर दे। यार कुछ हो जाएगा तो हमें परेशानी हो जाएगी। बॉबी मेरी बात सुन यार। बॉबी ये क्या पागल पन है यार। हम अपने देश से 15 सालों से दूर थे। अंदर आना यार। यस। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या पागलपन है? I love India। बॉबी, बॉबी तू गिर जाएगा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। बॉबी रास्ता ठीक नहीं है। रफ्तार कम की तो देख लेना। बॉबी तू अंदर आना। यस। अंदर बैठ के करना जो करना है। बॉबी, बॉबी तेरे कुछ भी हो जाएगा। बॉबी अंदर आ जा यार। I love my India। I just love it। My India। अरे अरे वो सांग सामने देख, सामने देख। बॉबी बॉबी बॉबी। दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? तेरी मार डालूंगा तुझे। छोड़ना, तूने तो कमाल कर दिया यार बॉबी। अब क्या हुआ यार? तू भी बड़ा अजीब है यार। दिन भर आई लव इंडिया बोलता रहता है और शाम हुई नहीं कि हाथ में बियर और सिगरेट आ गई। हम लोग इंडियन हैं, ये साबित करने के लिए बाल मुंडवा कर सन्यासी बनकर ढोल बजा कर सुनाना पड़ेगा? अरे नहीं यार, हमारे देश में रोज कितने सारे लोग सिगरेट पीते हैं, तो क्या वो देश के नागरिक नहीं होते? और यही नहीं, आर्मी में भी तो सभी लोग शराब पीते हैं ना। हाँ, पीते हैं। तो क्या हमारे बॉर्डर पर हिफाजत करने वाला जवान मुल्क परस्त नहीं है क्या? बेवकूफ। अरे सुन, वालदा और मुल्क की मोहब्बत को साबित करने की जरूरत नहीं होती है, वो यहाँ होती है। ए, चल जल्दी कर। कितनी देर से बोला तैयार करने के लिए? इंडिया से प्यार करता है हम जानते हैं, तुम्हारे वालदेन इंडिया में रहते ये भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी वालदा को अमेरिका क्यों भेज दिया यार? वालिद के यहाँ दुश्मन बहुत पैदा हो गए थे, वो ये नहीं चाहते थे कि हम लोग किसी मुसीबत में पड़ जाएं। गैंग वॉर, बहुत सी आपसी रंजिशें, इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए उन्होंने हमें अमेरिका में भेज दिया था। माँ भी वहां पर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पापा की खातिर उन्हें जबरदस्ती वहां पर जाना पड़ा, मजबूरी में। हमने बेशक वहां से ग्रेजुएशन किया, लेकिन अपने वतन को कभी भुला नहीं पाए। यही वजह थी जो हम वापस अपने मुल्क में लौट कर आ गए। I love India। जल्दी दे रहा है कि नहीं? बताओ मुझे भी। हमें वहां भी अपने ही मुल्क की एक अच्छी लड़की मिली थी, हम उसे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो हमसे उम्र में बड़ी थी, तो सोचा कोई मतलब नहीं। 24 साल बात बनी ही नहीं। जितना बोला उतना सब जल्दी से बोतल दे, नहीं तो। ए बॉबी, तू एक आध बियर और लेगा क्या? ओके। उल्लला उल्ललो। हाय बेबी। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या 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 सॉरी? क्या कूल 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 बड़ी कूल बोलेगा? कूल बोलेगा तो मार इसको तुम। अरे तुम मार तो। ए बोल रहा तू? सॉरी। ए उधर देख। आ जाओ। ये क्या बिजी है? मैं उसे पूरी तरह से फॉलो कर रहा हूँ,
मेरी नजर है उस पर। ए, क्या चाहिए तुझे? ए, बबी, ये दादागिरी कर रहा है, रोक, तुझे भी बताता हूँ। अरे कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं है, खून निकल गया यार। तेरी हड्डी इससे भी ज्यादा मजबूत है क्या? मेरे दोस्त को छुआ भी तो तुझे भी ऐसे ही मरोड़ दूंगा। गलत किया, बहुत गलत किया यार। अपने साथ साथ दूसरों को भी जीने देना चाहिए, क्या कहते हो? मैं तो पहले इसे मजाक समझ रहा था, पर तेरा पता नहीं आखिर क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा। अब बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? हर महीने के 30 दिन में हमारी जेब से 20 से 25,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। हम लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं यार, और यहाँ आकर भी वही मारपीट झगड़ा करें? हाँ, जरा सोचो यार। वैसे भी कोई दुश्मन है यहाँ? हम हैं क्या? है? बॉस, मजा आ गया तुमसे मिलकर, तुमने हमारी आंखें खोल दी यार, तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार। अरे बोल ना यार, हमने सच में गलत किया था, लेकिन तुमने चुटकी में मामला संभाल लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा वतन है, यहाँ के लोग मेरे अपने हैं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ कहाँ? मुंबई, बहुत ही खूबसूरत शहर है, कमाल का है, बहुत सुकून है। दंगों में आग में झुलसता मुंबई, दो गिरोह के आपसी रंजिश में पूरे शहर में आगजनी और खून खराबा। हालात को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लग गया। आखिर इसकी वजह क्या है? एक तरफ राज्य सरकार पूरे शहर को शंघाई बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, और दूसरी तरफ मिल में मुलाजमत करने वाला एक मुलाजिम यूनियन लीडर बन चुका है। इसका सारा कारोबार संभालने वाले इसके अपने गुंडे, किसी की जिंदगी और मौत का फैसला इसके इशारे पर होता है, चाहे कोई रियासत हो या कस्बा, इतना खौफ है इसका। इसके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए शहर की सारी पुलिस काम पर लगी है, लेकिन इसके बावजूद आज तक एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। इतना पावरफुल आदमी है ये। और ये है केआर, ये एक ऊंची शख्सियत है, इंजीनियरिंग पास करने के बाद जनाब एमपी रह चुके हैं, और आज ये ना जाने कितनी मिलों के मालिक है। कभी यूनियन लीडर जसवंत इससे उलझता है, तो केआर कभी यूनियन लीडर जसवंत से भिड़ जाता है। ये अपने सारे काम बड़ी होशियारी से करता है। यूनियन के खिलाफ कोई भी इसके पास आता है तो ये फौरन उस पर एक्शन लेता है। ये अपने समाज में सुकून से रहता है। रियासत के लिए खतरा होते हुए भी सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनियां इसकी बहुत चलती है। केआर का एक ही कॉम्पिटिटर है, और ये भी किसी से कम नहीं है। एक तरफ इसके पास यूनियन की ताकत है, तो दूसरी तरफ दोनों आपस में एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं। इसकी और केआर की मुठभेड़ में बेकसूर मासूमों की जान जाती है, और इसका फायदा इन लोगों को मिलता है, और इसका फायदा मीडिया भी उठाती है। कब कहां कौन सा हादसा हो जाएगा, इस खौफ के साए में आवाम जिंदगी बसर कर रही है। इस तरफ जो है वो है मुरली, ये है रवि यादव। वैसे तो ये अच्छे इंसान है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कब रंग बदल दे। ऐसे रंग बदलने वालों का कोई एतबार नहीं, कब क्या कर जाए हम सोच भी नहीं सकते। हमें जाना है, टाइम हो गया है। ये है रविशंकर, केआर का खास आदमी, केआर के साथ में ही रहता है। दो नंबर के धंधे में ये करोड़ों की हेराफेरी करते हैं। ये दोनों गिरोह रोज गुंडागर्दी कर हमारे लिए सरदर्द बन गए। इन लोगों के पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी रहता है। हर हाल में हमें इनकी नाक में नकेल डालनी है, क्योंकि बैरूनी मुमालिकों के बिजनेस टाइकून आज हमारे मुल्क में अपना बिजनेस फैला रहे हैं। इनके बारे में आपके क्या ख्याल हैं मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए हमें कोई मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। इन दोनों की रंजिश को खत्म करने के लिए आपको मंसूबे तैयार करने होंगे। किसी भी हाल में हमें इन पर काबू करना है। फिलहाल इन पर काबू करने के लिए मैंने एक प्लान सोचा है, हम उसे अंजाम देंगे। आप लोग भी अपना कोई मंसूबा बनाएं। गो अहेड। भाई आ गए आप लोग। ओहो नमस्ते। नमस्ते भाई, खैरियत है ना? फिक्र की बात नहीं है, मुख्तसर सी बात करनी थी। एक अरसा हो गया हमने आपस में बातें नहीं की, आप दोनों हाथ मिला लेंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी।
आपके मामूली काम के लिए भी ये वजीर दाखला हाजिर रहेगा। हम पर एतमाद कीजिए, हम सही कह रहे हैं ना? देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप दोनों में दोस्ती हो जाए, ये करना हमारा पहला फर्ज है। आखिर ये सब कब तक चलेगा भाई? यशवंत भाई, आप तो समझदार है ना? बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी मिनिस्टर, मैं तुम्हारी रियासत का वोट बैंक नहीं जो तुम तकरीर दोगे और मैं ताली बजाऊंगा। विदेशों से पार्टियां बुलाकर पैसे लगवाना, फिर वहां पर गरीब मजदूरों पर जुल्म करना, क्या ये रईसों पर जचता है? लेकिन ये सब करने में इन्हें बहुत मजा आता है। कितने गरीबों का इन्होंने खून बहाया, कितनों का हक मार लिया, यहां तक कि हमारे लोगों का कारोबार बर्बाद कर दिया इन्होंने। अगर हमारी इज्जत पर बात आई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, मैंने बड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है, इसे आसानी से नहीं जाने दूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, यह बात अपने दिमाग में रख लो। हाँ, और इन्हें भी समझा दो, बैरूनी मुमालिकों से चंदा इकट्ठा करने वाले इस इंसान को और इसके साथियों को जवाब देना होगा। बाहर से आकर हमारे लोगों को लूट रहे हैं और हमारे ही लोगों पर हुक्म चला रहे हैं, समझा दो इन्हें मिनिस्टर। ये हिंदुस्तान हमारी सरजमीन है, यहाँ हर हिंदुस्तानी हमारा अपना है, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी मैं अपना कारोबार कर सकता हूँ। इस मुल्क का शहरी होने के नाते ये मेरा हक है, कोई मुझसे सवाल नहीं कर सकता। लेकिन क्या पैसा कमाना गुनाह है? हमने किसी से कोई लूटपाट तो नहीं की, दौलत हमारी है, हमारे पुरखों की है, हमारे वालिद से मिली हमारी यह खानदानी विरासत है और उसी का हमने इस्तेमाल किया है अपने दिमाग से। ए पौसिली, तुम्हारी डींगे बखारना बंद करो। बाप का माल लगाकर कारोबार कर लिया तो खुद को बहुत होशियार समझ रहा है क्या तू? ए सुन ले, मैं अकेला ही काफी हूँ, तू भूल जा, तेरे इलाके में घुसकर मारूंगा कमीने। शट अप यू स्टूपिड इडियट, माइंड योर टंग, एक लफ्ज भी बोला तो मार डालूंगा। ए, अंग्रेज की छठी की औलाद हवा में मत उड़, हम लोगों को कभी हल्के में मत लेना, हिलाकर रख देंगे। अरे हम देख लूंगा। बस करो यार, मेहरबानी करके बैठ जाइए। अरे हमने आपको इसलिए बुलाया था, उधर सेंटर में अपोजिशन पार्टी रूलिंग में, अगर यहाँ रियासत में लॉ एंड ऑर्डर लागू नहीं हुआ तो हमारी सरकार गिर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव बढ़ जाएगा, तो हमें खुद आप दोनों का एनकाउंटर का ऑर्डर देना पड़ जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके एक दूसरे पर उंगली मत उठाइए, इस बहस से किसका भला होगा? इस रियासत की भलाई के लिए आप लोग एक हो जाइए। लड़ाई झगड़े किसी भी मसले का हल नहीं है, हर कोई अपनी अपनी ताकत दिखाएगा तो अंजाम क्या होगा? प्लीज भाई 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 शांत हो जाइए भाई, प्लीज भाई प्लीज, मुझे कुछ नहीं कहना, आप लोग आपस में समझ लीजिए। हाँ, इन दोनों के बीच झगड़े को खत्म करना बहुत बड़ा सरदर्द है। सर, आप लोगों के बीच समझौता हो गया क्या? क्या किस्मत है इनकी, इतनी सिक्योरिटी तो वजीर आला को भी नहीं मिलती। भाई अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलते हैं। शर्म आती है हमें अपने मिनिस्टर होने पर मजदूरों और मालिकों के बीच एक समझौता तक नहीं करवा पा रहा हूं, आखिर क्या करूं यार? हेलो सर, मैं नागेश बोल रहा हूं। यहां कुछ लफड़ा हो गया सर। कोई खतरनाक हादसा हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। किसके बीच में? केआर और वर्कर्स के बीच, लेकिन अभी अंडर कंट्रोल है सर। ग्रेट जॉब सर, यशवंत और केआर के लोगों के बीच में मुठभेड़ हो गई है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है सर। बेहतर, पुलिस को अपना काम करने दो, चाहे कुछ भी हो जाए सख्त कार्रवाई करो, समझ गए? चलो यार, बहुत देर हो रही है। हाँ ठीक है, चलते रहो। हाँ, कहीं वो नाराज ना हो। अरे बिल्कुल नहीं होगी। सुनीता, प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
ड्रिंक प्लीज। दिस। ये स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है, सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं। आई बात समझ में? क्यों? सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है ना कि इसे पीने से कैंसर होगा, फिर भी पीते हो ना? मैं पीऊंगी। What man? What's your problem? Hello, Rajnish, कहाँ पर हो तुम? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh shit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्या बॉबी, इतना लगेज लेके चलना जरूरी है क्या यार? ये बॉबी, आज बहुत सफाई दिख रही है, कोई आने वाला है क्या यार? अच्छा ये बता, अमेरिका में भी रेलवे स्टेशन इतना साफ सुथरा होता है क्या? वेलकम टू इंडिया, ये सब मेरे लोग हैं, तुम्हारे वेलकम के लिए। ये मीटिंग बहुत जरूरी है, अगर आप वर्क वेलकम होम बॉबी। कैसी रही लद्दाख की ट्रिप? दिन अच्छे से गुजरे ना? हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए, चेंज हो गए हो। खैर तुम्हारी उम्र ही तब कितनी थी, अब देखो ना। सही कहा ना रविशंकर? पापा सॉरी पापा, हम यूरोप ट्रिप को छोड़कर आपसे मिलने के लिए चले आए। आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। मम्मी तो अक्सर यूएस आती रहती थी, लेकिन आप हमसे मिलने कभी नहीं आए। और एक मर्तबा हमने मम्मी से आपका जिक्र भी किया था। पापा को देखना था, देख लिया। हिंदुस्तान भी देख लिया, परेशान क्यों हो बेटा? देखो उधर मम्मी खड़ी है। हाय मॉम। हाय आंटी, हाउ आर यू? मम्मी को भी देख लिया ना, आज रात की फ्लाइट से यूएस निकल जाना, समझ गए? खुशी खुशी जाना, ठीक है? चलो रविशंकर। ओके सर। मम्मी आप पापा को समझाइए ना। लगता है आंटी बहुत गुस्से में यार। सब खैरियत तो है बॉबी? अभी तो गए थे ना तुम। हमारे कार में बैठते ही फोन में खतरे की घंटी बज गई। यूएस जाने से पहले घर से बाहर कदम मत निकालना, समझ गए? वैसे भी तुम यहाँ पर अक्सर टाइम पास के लिए आते हो ना? हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए हैं, अपने मुल्क की सैर करने आए हैं। अचानक से सैर करने का मन कैसे बन गया? हिंदुस्तान में रहने के लिए। खैर तुमने सोच लिया तो अच्छा ही है। मैडम आपसे बहुत नाराज हैं, जाकर उन्हें मना लीजिए। देखो मम्मा को मना लिया तो पापा भी राजी हो ही जाएंगे। शाम को मिलता हूँ, घर से बाहर कदम मत निकालना, याद रखना, ठीक है? बाय बाय बाय। ओ डोसा, आई लाइक डोसा। आंटी गुस्सा थूक दो, लीव दिस डोसा फॉर मी आंटी, आई लव डोसा 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 डोसा। पापा ने घर तो आलीशान बनाया है। डोसा 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 अच्छा लगा। आई लव डोसा डोसा डोसा, ओ डोसा डोसा डोसा। क्यों मम्मा, आप भी हमसे नाराज हैं क्या? आंटी आंटी मुझे क्या मार रही है आंटी? आप क्या कर रही है मम्मी, उस पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? अरे बात क्या है मम्मी? तुम बच्चे नहीं रहे, हमारी मर्जी का कुछ नहीं, खुद फैसले करने लगे हो तुम। अब ये आपसे किसने कह दिया? हा? मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती क्या? तुम अपनी मर्जी से पूरी दुनिया घूमते रहते हो, बिना सिक्योरिटी के तुम घूमते हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। जानती हूँ मैं, तुम कुछ भी कर लो तुम्हें वापस जाना ही होगा। हाँ वैसे मम्मी आखिर यहाँ रहने में मसला क्या है, किस बात का डर है? क्यों तुम्हें कुछ नहीं पता है क्या? जब घर में रहोगे तब सब पता चल जाएगा। वैसे तुम घर में रहते कब हो? तुम्हें पता है कौन आने वाला है? चाचा जी। आज भी आप बिल्कुल वैसी ही हैं मम्मी, जैसे कि पहले थी। आखिर इसका राज क्या है मम्मी? इसका राज है गर्मा गर्म डोसा, है ना आंटी? तू मुंह बंद कर अपना, फिर बोला। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए रिश्ता देखे क्या, तुम्हारी शादी भी तो करवानी है। नहीं मम्मी फिलहाल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो हमें बता दो। मम्मी एक तो आप लोग यहाँ पर रहने देते नहीं हो, क्या खा कोई पसंद आएगी मुझे? पापा भी बस अपनी मर्जी चलाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो यहाँ पर रुकने तक नहीं दिया जाता है मम्मी, अब ऐसा है तो हम कैसे कंफर्टेबल रहेंगे? आई एम वेरी सॉरी बॉबी, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हमारी बात मानकर चलने में तुम्हारी भलाई है। मम्मी बॉबी क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों नहीं जाना है क्या? हमें जाने की इतनी जल्दी नहीं है। क्या मतलब? देखिए मम्मी हम आप लोगों से मिलकर वापस यूएस जाने नहीं आए हैं, समझ गई ना? यही बात तुमने अपने अब्बू को क्यों नहीं बताई?
छोटे बच्चे की तरह मुझसे आके कह रहे हो? अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे मम्मी, अब हम बड़े हो चुके हैं। आई एम 24 इयर्स। 14 साल में आवाज बदल गई, 17 साल में दाढ़ी बढ़ गई है, और अभी आप लोग हमें बच्चा ही समझते हैं। अच्छा, तुम हमारे लिए अभी भी एक बच्चे जैसे हो। वो सब हम नहीं जानते, हम वापस नहीं जाएंगे। यही बात अब्बू से जाके कहो, जाओ। यही तो सबसे बड़ा मसला है, यहाँ पर कोई कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम भी हमारे दिल को नहीं समझ सकते ना, जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे ना तब समझोगे तुम हमारी बात। अच्छा, आप अपने लिए खुद बहू ढूंढेंगी या हम ही रेडीमेड लेके आ जाएं? अच्छी बात है, ले आओ, हमें क्या परेशानी। बहू आपको चाहिए मम्मी, सोच लीजिएगा। लड़की ढूंढो, जिंदगी में खुश रहो, जाओ 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 जाओ। थैंक्स मम्मी। ओ हेलो ब्यूटी, ये तो कमाल का क्लब है यार। यार ये तो बहुत कमाल की जगह है, हर जगह मजे ही मजे। मैं फर्स्ट टाइम इधर आ रहा हूँ। यार बॉबी तू स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है यार? ओह माय गॉड, कैमरा यहीं कहीं होना चाहिए। अरे वो देख, दिख गया ना? हे यू, हाय, क्या बात है यार, आज के दिन का सबसे हैंडसम बंदा, इसके लिए जोरदार तालियां। हैंडसम, 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 हैंडसम। यार बॉबी, क्या कमाल की लड़की है यार। हे सीमा, तुम स्क्रीन पे दिखाई दे रही हो। वाह, अच्छी लग रही हो। ये सब क्या? स्वीट लग रही है सीमा। रवि, कैमरा ऑफ करो, ऑफ करो। ओके बेबी, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज के दिन का सबसे हसीन चेहरा, इनके लिए जोरदार तालियां। रवि बस करो, एक मिनट इधर देखो, क्या सीन है यार। आज के दिन की सबसे बेहतरीन जोड़ी, इनके लिए जोरदार तालियां। ये Thank you.
मेरा दिल धड़क रहा है, मैं तुम्हारे पास खींची चली आ रही हूँ, मेरे कदम तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं तुम्हारे ख्वाबों की शहजादी हूँ, एतबार कर लो मेरा, मैं जन्नत से इस जहां में आई हूँ पैगाम मोहब्बत लेके, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी आखिरी सांसों तक तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरा यकीन मानो। तुम लोगों को याद है ना उस रोज क्लब में स्क्रीन पर जो लड़का था, वो लड़का कहाँ से आया, कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं चला, उससे बात भी नहीं हो पाई। करेक्ट, हमने देखा तो था, हमें याद है और हम शायद भूल भी गए, लेकिन तुम उसे अपने दिल से उसे नहीं भुला पाई। तुम्हारे सर से उसका भूत कब उतरेगा? देखो राह देने के टॉपिक पे बात करोगे तो हम बोर हो जाएंगे। जैसे मेरे घर का फर्नीचर मुझे बोर कर रहा था तो मैंने बदल दिया, अब मुझे घर बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कुछ चेंजेस जरूरी होते हैं। मेरे घर का हिसाब अलग है, जानती हो कल क्या हुआ, मेरी सगाई हो गई, ये कह के मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया यार, अब बताओ मैं क्या करूं? मेरी तो कोई बात तुम लोगों से छिपी हुई नहीं है, मेरे डैड ने रिश्ता NRI से तय कर दिया है, शादी होते ही फौरन चली जाऊंगी। अपनी बेटी को इतनी दूर भेजने के लिए वो कैसे तैयार हो गए? अब देखो वालदेन है, मना तो नहीं कर सकती। तुमने अपने बारे में कुछ सोचा है? क्या कहा? तेरे चेहरे की रंगत कहाँ गई? ऐसा कुछ नहीं है। अरे कम से कम दिल की बात तो बता दे। मुझे कोई पसंद आ गया है। मतलब बात पक्की हो गई है क्या? हाँ? नहीं ऐसा नहीं है, हाल में ही उससे मिली हूँ। हमारी जिंदगी के सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ अब्बू करते हैं, एक वही है जिनका हक है हम पर, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे अच्छे बुरे के लिए, हमारे एहसास को समझकर हमारे लिए मनपसंद लड़का तलाश कर लेते हैं। तो हम सबको छोड़कर उनकी बात मानकर अपने ख्वाब की ताबीर को भूलकर उनकी इज्जत की खातिर कोई भी हो कैसा भी हो उससे शादी कर लेंगे। दोस्तों आज वैलेंटाइन डे है, हैप्पी हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज के दिन सभी अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, यहाँ पर इस पब में अपनी चाहने वाली लड़कियों से मोहब्बत का इजहार करेंगे, आप अपने दिल की बात कहेंगे, आज टाइटैनिक डे मनाएंगे, तो लेट्स से हु इज द लकी मैन। अरे इसको देखना, ये बोलने के साथ साथ डांस भी कर रहा है, देख रहे ना तू? मेरा दिल नहीं कर रहा है यार। Thank you. यार वो डांस तो करने जा रहा है पर उसके साथ लड़की कौन होगी यार? अरे यार ये भी है मौका, अच्छा छोड़ मत यार, डांस के लिए बोल रहा हूँ। टाइटैनिक डांस है, सोच ले, मुझे खुद ही याद नहीं है। अरे यार म्यूजिक के ऊपर थिरकना आना चाहिए, ढकच कर ढकच कर ढक, चल जा। यार तू चला जा तो मैं चला जाऊंगा, फिर बाद में शिकायत मत करना, चल ले यार उसके साथ डांस करके आते हैं, चल यार ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। चुप रहेगा, मेरे साथ डांस करोगी? डांस नहीं आता है क्या? मैं हूं ना तुम्हें बताने के लिए, आओ ना करते हैं डांस लाइक दिस।
मुझे डांस करना नहीं आता। तो मैं कौन सा रोज रोज करता हूँ। देखो ऐसे करो, बस करती रहो। Hey! Hey! मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। मैंने भी किसी के साथ ऐसा डांस कभी नहीं किया। पहली बार डांस कर रही हूं। बस जैसा मैं करता हूं। वैसे करती रहो बस ऐसे। तुमने तो मुझे डांसर बना दिया। मजा आ रहा है? हाँ, सच में बहुत मजा आ रहा है। या! मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतना मजा आएगा। Yeah! Hey! Hey! Come on! अरे चल ना यार, मुझे भी डांस सिखा दे। अरे प्लीज यार, दो चार स्टेप भी सिखा दे ना, मैं भी थोड़ा सीख जाऊंगा। अरे चल ना, नहीं नहीं नहीं, मुझे बताना यार, मुझे लड़की के साथ डांस करना है। प्लीज ना यार, प्लीज ना यार, कैसा दोस्त है तू? छोड़ ना मुझे। ए क्या रे बॉबी, सिखाने के लिए बोला तो इधर निकल आया है? उस लड़की के पीछे मत पड़, पागल हो जाएगा तू। तभी उसे देख के तू भाग गया था क्या? उसके बारे में पता चलेगा तू भी भाग जाएगा। कहाँ भाग जाऊंगा? जहन्नुम में। ऐसा क्यों? उसकी मर्जी के बिना इस इलाके में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मतलब यार बॉबी, लगता है शायद किसी गुंडे की फैमिली की होगी। लोगों का मर्डर करके गटर में फेंक देते होंगे, किसी को पता भी नहीं चलता होगा। अच्छा, मरने का शौक किसे है? उस लड़की पर मेरा दिल आ गया है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, और अब वो किसी और की कहलाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। ये अपने दिमाग से निकाल दे। अगर उसके बाप को पता चल गया ना, तो किसी को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। ठीक है यार, समझ गए, चल। क्या है ये, ऐसे ही बैठे रहो? और बेटी की तो कोई फिक्र है नहीं, पता नहीं वो कहाँ गई है, अब तक लौटी नहीं है। कहाँ जाती है, क्या करती है, कुछ तो खबर रखा करो। बाहर जाकर उसे ढूंढने की बजाय यहाँ पर बैठे हो। कल को अगर कुछ हो गया तो क्या मुँह दिखाएंगे सबको? कब से कह रही हूँ, जरा जाकर बाहर बेटी को ढूंढ कर आओ। पर इस घर में मेरी कोई बात सुने तब ना, छोटी सी बच्ची है। कल को अगर कुछ कर दिया तो क्या करेंगे, फांसी लगानी पड़ेगी हमें। अब अरे जाओ, तो इसमें क्या करें ये तो बताओ। हाँ, कल को अगर वो भाग जाएगी तब भी तुम यही कहोगी, जाओ। अरे आप चुप रहिए, जब देखो इसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ करती रहती हो। उसके गुलाम है क्या जो उसके पीछे दौड़ते रहे? जब देखो हमसे बकवास करती रहती हो। चलो अब जाओ यहाँ से, मैं नहीं करूँगा। ये काम तुम्हें ही करने के लिए कहा गया था, तो फिर अब देखो आ गया। सीमा कहाँ है? सीमा वो अंदर ही तो है। हाँ है, अंदर ही है ना, वो ऊपर की तरफ है, ऊपर। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, समझ गए। एक मिनट रुको, अब बोलो। हाँ सुनो, जल्दी से फोन करके पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। अगर वो नहीं मिली तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, वो किसी को नहीं बख्शेगा। ये देखो टहलती हुई आ रही है, कहकर नहीं जा सकती थी, कहाँ चला सकता है हमारा। ए, क्या कह रही हो तुम, होश में तो हो ना, ये कौन सा तरीका है? ए, खामोश रहिए, खामोश रहिए। मामू जान से ऐसे बातें करते हैं क्या, तमीज नहीं है? तो क्या हुआ, हमारी मर्जी है, मन में आया तो कह दिया। नानी माँ, अब ये बताएं कि खाना तैयार है? ईट ईट ईट। तेरे अब्बू पूछ रहे थे तेरे बारे में। हाँ, अब्बू का कॉल आया था, हमारी बात हो गई उनसे। जानते हैं, तुम्हारे पीछे तो हमें ही सुनना पड़ता है। तुझे क्या पता कौन सा तीर मार लिया तुमने, कितने नखरे उठाए उसने तुम्हारे। बिना माँ की बच्ची को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी उसने, उसकी इसी बात का तुम गलत फायदा उठा रही हो। बातें हमें सुननी पड़ती हैं, हम पर क्या बीतती है ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं। हम उनकी लाडली बेटी हैं, इसी बात से आपको तकलीफ है। सीमा, तुम हद से बाहर जा रही हो। एक बात ध्यान से सुने, इस तरह से हमसे अब्बू भी नहीं बोलते। सीमा, ज़बान को लगाम दो। हमारे दिल में जो आएगा हम वो कहेंगे, हम किसी की नहीं सुनने वाले। अरे बाप रे, ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? सब लड़ प्यार का नतीजा है। हम तो ऐसे ही रहेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, जो मर्जी आए करेंगे। सुकून से धुनने वाले भी नहीं खाने देते। हमारा ही सिक्का खोटा है। छोड़ो ना, हमें क्या मतलब। अरे कल को कुछ हो गया तो क्या होगा, तब का तब देखा जाएगा। हम भी कोई कम खतरनाक है क्या, बाद में देख लेंगे, अभी खाना खाओ। तुम डर गए क्या? हा? अरे वो क्या कर लेगी, जहरीली नागिन है, उससे डरते हो? डस लेगी क्या हम लोगों को? क्या नहीं किया उसके लिए? लेकिन उसने कैसा सुलूक किया तुम ये तो जानते ही हो ना, हमारी छोटी सी गलती पर बड़बड़ बड़बड़ करके जिया जी हम पर बरसेंगे। पर इसमें हमारी क्या गलती है, रिश्तेदार है उसके, लेकिन ये उसे कौन समझा, ये करके वो हम पर बरसेंगे, ये इज्जत है हमारी। जब देखो वो उछलता है, उनके इशारे पर हम किसी को खत्म कर देते हैं।
वो जो कहते हैं बिना सोचे उसे करते हैं, उसमें खुश, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? हमें बेटी भी नहीं बख्शती है और बाप भी नहीं बख्शता है। खाना खा ले। अम्मी अम्मी, आप जानती हैं आज एक लड़के ने हमसे बहुत अच्छा डांस करवाया। उफ़, हमें तो उससे मोहब्बत हो गई। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? बताइए ना, प्लीज बताइए ना। मेरी प्यारी बेटी, सो जाओ आराम से। भगवान ने तुझे तेरे प्यार से मिला दिया। तुम होटल से कम घर तो पहुंचे, मजा आ गया यार। थैंक्स। याद है उस लड़की के साथ क्लब में जब हमने डांस किया था तो? हाँ तो हम उस लड़की को अपना हमसफर बनाना चाहते हैं। तुम्हें तुम्हारे मुकद्दर में होगी तो जरूर मिलेगी, समझे? क्या कर रहा है यार? करामात है यू नो, छोटे छोटे सपने, छोटे छोटे खेल बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा कर देती है यार। ये देख, अरे संभाल यार। अरे बॉबी, मोहब्बत खैरात टिका कर चली गई, क्या बात है यार। उसने हमें खैरात क्यों दी यही तो समझ में नहीं आया। तो जाके पूछना। आते हैं। तुम्हारे इस 100 रुपए में तुम्हारी खुशबू बसी है। हाँ, तुमने हमारा स्टाइल देखकर हमें खैरात दी ना। हमारे ख्याल से तुमने हमें क्या समझ कर रखा है यह समझ में नहीं आया। शायद यहां का मुलाजिम समझ रही हो, है ना? हमने सही कहा, इसलिए झोली में खैरात डाल दी। लेकिन इस पद के लिए यह खैरात बहुत ही कम है। सच कहें तो तुम्हारी अदा ने दिल चीर दिया है। वैसे तो 100 रुपए की नोट हमारे पास एक पल नहीं टिकती, लेकिन ये 100 रुपए हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दिल तुम्हारे पास। बस करो, बंद करो ये बकवास। इसमें बकवास कहाँ है? हम कुछ कहें तो बुरा तो नहीं मानोगे? जी नहीं। लड़कियां तुम पर फिदा है, पर्सनालिटी भी अच्छी है। रोज सुबह जॉगिंग करते हो क्या? रंग गोरा है, हैंडसम भी हो, मुस्कान भी मीठी है, इंसानों जैसे लगते हो, लेकिन हरकतें बिल्कुल जानवर जैसी हैं। खुद को हीरो समझते हो क्या? एक नंबर के लोफर हो। नॉट बैड। ये क्या कह दिया, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। तुम तो बिल्कुल अजीब लड़की हो यार। खामोश हो, हर बात की हद होती है। जाकर अपना काम करो और हमारा पीछा छोड़ दो। इसके सिवा कुछ और करे तो? ए, देखो तुम। हेलो हेलो अबू। हेलो, अरे बेटी सीमा तुम कहाँ हो? अबू अबू हम वो कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर। क्या? हम थर्ड फ्लोर पर है अबू। अच्छा, थर्ड फ्लोर पर हो, हम अभी पहुँच रहे हैं। क्या हुआ बेटी? हाँ वो क्या है ना, छू मत हमें। अब हम आपको देख सकते हैं? देख सकती हो? अच्छा बताओ कहाँ हो तुम? हम कुछ खरीद रहे हैं, हम आपको देख सकते हैं। वही रुको, हम आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, तुम हो तो फर्स्ट फ्लोर पर और थर्ड फ्लोर बताती हो, हमें पता नहीं था इस कदर झूठ बोलती हो। बहुत गलत बात है, तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए था, कम से कम वालिद से तो सच कह देती। अगर हमारे अब्बू ने देख लिया ना तो हमारा जीना हराम कर देंगे। इस बात से हमें कोई इनकार नहीं है, इसका मतलब हमारा रिश्ता गहरा है। हम उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हो? मतलब तुम मेरे साथ होगी इसलिए हाथ पकड़ा ना।
हम और तुम्हारा साथ हरगिज नहीं। अच्छा ये बात है। जाओ अब। चाचा जी। हे क्या कर रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? फिर से पकड़ा ना? पहले जाओ। चाचा जी। ए सुनो तो प्लीज। मिलोगी ना? ठीक है बाबा मिलूंगी। क्या हुआ? अरे हम खुद ही तुम्हारे पास आ रहे थे। वैसे तुम वहाँ क्या कर रही थी? कुछ खरीद रही थी। क्या यार भाभी तितली पट गई क्या? बस यही समझ ले। मिलने का वादा तो किया है। तुम्हारी तितली झांसा दे गई दोस्त। अब सोचने से क्या फायदा? इंतजार करते रहोगे तो जिंदगी गुजर जाएगी। ठीक 9 बजे हैं। हमें तो ऐसा लगा था कि सारी रात तुम्हारे चक्कर में शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, समझ गए ना? हमारी जिंदगी का हमेशा उसूल रहा है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। अगर हमें झूठ बोलना पड़ता है तो इसमें हमारी क्या गलती? हमारे इर्द गिर्द हमेशा सिक्योरिटी रहती है। हा 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 हा। एक बात कहें, तुम गुस्से में भी बहुत खूबसूरत लगती हो सच में। तो अब क्या तुम सोच रहे हो कि तुम्हें आई लव यू कहूं? नहीं नहीं, हमने ऐसा तो नहीं कहा, ये हमारा तरीका नहीं है। अच्छा। लाइट्स हो या डार्क हो या कोई भी माहौल हो, हम तो हर माहौल में रोमांटिक रहते हैं। तो क्या हुआ? गलत मत समझना। क्या? अरे गलत मत समझना। गलत मतलब? तुम जवान हो, हम जवान हैं, तुम हमसे मिलने आती हो, हम तुमसे मिलने आते हैं, तो अगर इसमें कुछ हो जाए तो वो गलत ही होगा ना। तुमसे मिलने आई यही मेरी गलती है। तुम कैसे गलत हो? तुम गलत हुई तो हम भी गलत हुए, गलत से गलत मिला तो सब गलत। सही कह रहा हूँ? क्या कह रहे हो तुम? हम बात कर रहे हैं, ये भी गलत है। एक्शन एक्शन, आई वॉन्ट एक्शन। तुम डर गई थी कि गलती ना हो जाए। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। देखो भाई मिनिस्टर साहब आए हैं, अब ये क्या कहेंगे आप जानते हैं? हम आपके नेता हैं और हम वजीरे दाखला बनने जा रहे हैं। पता पाने के बाद हम खुद की पार्टी बना लेंगे। नमस्ते। यही सब बोलेंगे। आप जैसे पावरफुल आदमी की इस रियासत को बहुत जरूरत है। आप हमारी पार्टी में आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप हाँ कर दीजिए, बाकी की सारी चीजें हम संभाल लेंगे। आप साथ हैं तो पूरा मुल्क हमारा होगा। इस बार के चुनाव में हमारी जीत तय है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हम तो कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। यशवंत जी आपका क्या कहना है, कहिए। आपकी ये अदा भी कमाल की है। हाँ कहिए मिनिस्टर। अब हाँ कहिए। ए पानी लेकर आओ। बेटा अब यहाँ पर कोई था क्या? Hey, waiter, आप। हाय सीमा जी, सालगिरह मुबारक हो। हेलो चाचा जी, सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है। ओके देन, बाय। अरे hey, जल्दी पानी लेकर आओ। उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा ये था कौन? वो दरअसल मेरे एक फ्रेंड का भाई है। ओ हाँ। क्या बढ़िया जी। सर क्या बात है, आज तुमने वर्दी नहीं पहनी? जी सर आज खाने की दावत है। ये तो गलत है ना, बड़े बड़े राजनेता क्या करते हैं तुम्हें अंदाजा नहीं है। अपनी राजनीति का इस्तेमाल करके अच्छे भले लोगों को अपने कब्जे में ले लेते। भाई नमस्ते भाई। क्यों भाई, अपोजिशन पार्टी के साथ आपका समझौता हो गया क्या? ड्रिंक्स है क्या भाई? हमने सुना है कि आप कुछ करने जा रहे हैं। हमारा मतलब है आप अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। भाई पार्टी तो बहुत ही शानदार लग रही है आपकी, हमें तो आपके साथ खाना खाने का दिल कर रहा है, लेकिन अभी मुझे एक और प्रोग्राम में जाना है ना। ओके भाई, समझ गया भाई। बू डर गई ना? तुम्हारे अब्बू के साथ क्या हुआ था, हादसा? अरे कहाँ गया?
ये तो मेरी सारी पोल खोल देगा। बचालो 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 बचालो, हम बच जाएंगे, बचालो। क्यों, हमारे बारे में सोच रही थी क्या? ए, तुम्हें कुछ अकल वकल है? हमारे पास नहीं है। तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे अब्बू। ए, बेटा इसे पी लो, हिचकी बंद हो जाएगी, पी लो। सीमा, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ, आ जाओ, चलो हमारे साथ। लेकिन बेटी इसे तो पी लो। अपने जीजाजी अपोजिशन वालों में शामिल हो गए क्या? हाँ यार, अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है वो, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ये कौन है बे? पहले तो इस लड़के को कभी नहीं देखा, चल देखते हैं, पता लगाते हैं। अरे क्या कर रहे हो, यहाँ पर पी रहे हो, यशवंत ढूंढ रहा है तुम्हें। अरे मैं जीजाजी से कब का मिल चुका हूँ, तुम जाओ ना यहाँ से, अभी तो शुरू किया, उतर जाएगी फिर। अरे कभी सुधरोगे नहीं, वहाँ क्या बवाल होने वाला है पता नहीं, जाकर देखो। अरे जाओ दो। आज बहुत खुश है, क्या बात है बताना। अरे अभी तो वो लड़का यहीं था, कहाँ चला गया यार, लगता है टॉनिक ज्यादा हो गया, दो के चार दिखाई दे रहे। चलना यार, क्या दिमाग लगा रहा है। तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाती, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, जो भी बात कर दी है हम बात में। अरे इजी सीमा जी, इजी, तुमसे मैं बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, अभी तुम्हारे पास वक्त है ना, क्योंकि बात जरूरी है। तुम हर रोज मेरे कहने के मुताबिक ही चलती हो, तुम मुझे इस जगह पर कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे मिलती हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता? अरे सुनो ना सीमा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पता है इतनी सारी जद्दोजहद मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। बताओ कल रात हम कब मिले? ए, अपनी हद में रहो। बात करने में क्या बुराई है, बात ही तो कर रहा हूँ ना। बात करने में भी तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? ए, मैं प्यार से कह रही हूँ, दफा हो जाओ, अगर नहीं गए तो शोर मचाऊंगी। मैं भी तो चिल्ला सकता हूँ अंकल। शराफत से मेरी बात मानोगी या नहीं? क्या मानोगी या नहीं? कभी नहीं। मानोगी या नहीं? बिल्कुल नहीं। बात मानोगी? बिल्कुल नहीं। मेरी बात मानोगी? बिल्कुल नहीं। मानोगी? मानोगी? बिल्कुल। जब तक तुम्हारी मर्जी ना हो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझसे गलत हो जाएगा। पहली दफा तुमसे कुछ मांग रहा था, पता है इसमें मुझे भी डर लग रहा था, पर तुम्हारे जवाब ने सब बता दिया मुझे। अच्छा सीमा, मैं इंतजार करूंगा, तुम भले ही मेरा इंतजार मत करो, पर मैं तो करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दूंगा, फिर चाहे तुम मिलो या ना मिलो, ठीक है ना? क्या स्टाइल है तेरा यार बॉबी, तूने जो झटका दिया है उससे वो रात भर सो नहीं पाई होगी, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा होगा। मेरी बात को कभी तो समझा कर यार, मैं सच बोल रहा हूँ यार। अरे बॉबी, तुम तो नहीं आने वाली थी, सुबह सुबह यहाँ कैसे? सुबह नहीं आई हूँ, रात से यहीं बैठी हूँ, रात भर सो नहीं पाई, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी मैं। सच कहूँ तो मैं बहुत ही हैरान हूँ, तुम्हारे बंधन को तोड़कर मैं तुम्हें अपने करीब लाना चाहता था, तुमने वही किया जो मैं चाहता था, वो भी इस दिल के खातिर। प्यार में पागल हो गया हूं, तुम कोई मामूली लड़की तो नहीं हो, बल्कि हमारे खानदान के साथ धोखा करने वाले माफिया की बेटी हो तुम। इस वक्त अगर मैं तुम्हारा बलात्कार कर दूं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, समझे? पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। स्टॉप इट! तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ए, तुम्हें क्या लगता है ये सब सुनकर मैं तुम्हें सजदा करूंगी? चुप हो जाओ, बहुत बोल चुकी हो तुम, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। ये तुम्हारे बाप की गद्दारी का नतीजा है। तो मैं क्या करूं, दुश्मनी मेरे वालिद से निभाओ ना,
उनकी बेटी से बदला लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मेरे वालिद की गलती की सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मेरी बात तो सुनो सीमा, भले ही तुम्हारे वालिद के गुनाहों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पर सजा तुम्हें ही भुगतनी होगी ना। मैंने तुमसे प्यार किया है, किया कि नहीं? करेक्ट है ना? बोलो सही करो। देखो सीमा, जरा सोचो, अब जरा ध्यान से सोचो, तुम्हारे वालिद के गुनाहों से या फिर मेरे वालदन के गुनाह से हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। भले ही तुम्हारी कोई गलती ना हो और मेरी भी कोई गलती ना हो, फिर भी हमें इसका कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, और यह कर्ज चुकाना हमारा फर्ज बनता है। देखो सीमा, मेरा साथ दोगी ना? नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। जरूर होगा सीमा, तुम कर सकती हो। डरपोक लोग कमजोर होते हैं, पर हिम्मत वाले बुलंद हौसला रखते हैं, बस यही सच है। इस पर जरा गौर करो, अच्छे से गौर करो, मैंने जो कहा है वो सच है ना? सही कह रहा हूं? मैं बहुत छोटी थी जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मेरे अब्बू ने मेरी परवरिश बहुत नाजों से की, अब मैं उनके खिलाफ कैसे जाऊं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है बॉबी, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी। मैं क्या करूं अब? हमें हमारे वालिदों में तब्दीली लानी पड़ेगी। बॉबी, वो बहुत जिद्दी हैं, किसी की नहीं सुनेंगे। जिद्दी मैं नहीं जानता, हम जो भी करेंगे वो गलती को सुधारने के लिए करेंगे। हमारे वालदेन हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी अपने वालदेन से बहुत प्यार करते हैं, समझी? मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता और तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती, हमें कोई नहीं अलग कर सकता, सही कह रहा हूँ? सुनो बॉबी, कुछ दिन रुकने के बाद फिर अमेरिका चले जाना, कम से कम 6 महीने हमारे साथ रहो, इस बार तुम हमें मना नहीं कर सकते। 5 दिन नहीं, 6 महीने अपनी अम्मी के साथ रहोगे, अब तो खुश हो ना? लेकिन पापा, आई नो योर प्रॉब्लम। हेलो, क्या कहा तुमने? तुम लोग बार बार मुझे टेंशन क्यों देते हो? मैंने जो तय किया था वही होगा, समझे? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। नो रवि, दिस इज फाइनल डिसीजन। पापा, मैं जाकर देखूं? नो 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 नो, प्लीज, तुम इन झमेलों में मत पड़ो। तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे, दैट्स इट, ओके? तुम एंजॉय करने आए हो, एंजॉय करो, फिर मिलते हैं। ये ऐसे क्यों कह रहे हैं मां? देखो बेटा, अपने अब्बू के गुस्से को तो जानते हो ना, दोबारा इस बारे में उनसे बात मत करना। ओम अग्नाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। भैया अपना गोत्र बताइए। भरद्वाज। यो भरद्वाज अवधो, यो गविष्ठम विश्वामित्रम वरुण मित्र कुत्सम, यो कविंचम अवधा। भाई अपनी पत्नी का नाम बताइए। मेरी प्यारी बच्ची, वहां देखो। महालक्ष्मी, सुनिए, आप बच्ची को लेकर चले जाइए। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी मरहूम, इसी जिंदगी में के आर का करूंगा स्वाहा। ओम अग्नाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई जान, हमारे एरिया में भर के लोग घुस गए हैं, पुलिस लाइन पर। लक्ष्मीयाग स्वाहा, कार मंत्र स्वाहा, सूर्याग स्वाहा, कार मंत्र स्वाहा, जीजू स्वाहा, कार मंत्र स्वाहा, कमिश्नर का फोन, याग मंत्र स्वाहा, गो यक्ष मंत्र स्वाहा, महारुद्र न्यास स्वाहा, रुद्र सूत्र न्यास स्वाहा, बृहत पुरुष सूक्त न्यास स्वाहा, संक्षिप्त पुरुष सूक्त न्यास स्वाहा, श्री सूत न्यास स्वाहा, नवग्रह अधि देवानाम विनियोग स्वाहा। क्या बना रही है नानी? त्योहार है इसलिए पकवान बना रही हूँ, दिखाई नहीं देता तुझे? ठीक से नहीं बोल सकती क्या? मैं तो ठीक से ही बोल रही हूँ, क्या बात है, बोल। छोड़िए। अच्छा नानी, केआर के साथ अब्बू की क्या दुश्मनी है? तुझे इससे क्या मतलब? ये दुश्मनी कब खत्म होगी नानी? दोनों में से जब तक एक मर नहीं जाता, ये दुश्मनी ऐसे ही चलती रहेगी। कोई मरे भी ना और ये दुश्मनी भी खत्म हो जाए, इसके लिए मेरे पास एक मंसूबा है। क्या? सुनिए ना नानी,
कियार की कोई औलाद नहीं है क्या? है ना एक लड़का, तेरे अब्बू के डर से अमेरिका भेज दिया है उसे। वाह ये तो बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। एक बहुत अच्छा सा मंसूबा बनाकर एक जगह पर केआर को बुलाकर उन्हें समझा कर इस मामले को सुलझा सकते हैं। आह प्यार से, फिर तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी ना। सत्यानाश सब कुछ चलकर राख हो जाएगा, अपने इस मंसूबे को अपने पास ही रख समझी तू। देखो हम दोनों को मिलाने के लिए ही मेरी नानी हमारा साथ दे रही है और उन्हें मुझ पर पूरा यकीन है, इसलिए हमारा कहना वो मान लेंगे और मेरे अब्बू उनका कहना बिल्कुल नहीं टालेंगे। और मुझे ये अच्छे से पता है। सीमा तुम इतना डर क्यों रही हो? अरे दो सेकंड चुप रहो ना यार, बस दो सेकंड प्लीज, तुम बस एक बार मेरा साथ दे दो। अच्छा लगे रहो लगे रहो, जस्ट वन टाइम, सिर्फ एक बार किसी होटल के कमरे में हम कूल बस एक बार तुम मेरा साथ दोगी ना तो वो समझ जाएंगे कि तुम्हारी इज्जत लुट चुकी है। नहीं ये नहीं हो सकता। लेटने का ड्रामा तो कर ही सकती हो। क्या कहा? लेटना है और कुछ नहीं। पर यहाँ कहाँ लेटेंगे, सब हमें देखेंगे ना। फोटो निकालने में क्या फर्क पड़ता है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? देखो हम दोनों साथ में लेटेंगे लेकिन कुछ भी गलत नहीं होगा, और वैसे भी मैं रोज सी बीच पर जाकर लेटता हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हो मैं हूँ या कोई भी हो, अगर लवर्स डरेंगे तो दुनिया ब्लैकमेल करेगी, जीना है मरना कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। बस तुम थोड़ा सा मेरा साथ दे दो, फिर तुम ऊंची पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देना और मैं टावर से नीचे कूद जाऊंगा, हम दोनों का काम बन जाएगा। उसके बाद हमें दुनिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सब गए भाड़ में, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत से लोग हैं जो मतलबी हैं। हाँ एक बात और, हाँ मुझे घूमने का बहुत ही शौक है, तो तुम्हारे अब्बू और मेरे अब्बू को हमें ढूंढने के लिए अच्छे से भटकने दो, कैसा लगा प्लान? प्लान तो अच्छा है। अच्छा है ना, तो फिर चलो आओ। ए जैक डिसाइड हो गया है, हम दोनों घूमने जा रहे हैं, रूम का इंतजाम करना तेरा काम है, पर पहले प्लान अच्छे से सुन ले। इजाजत ले लिए क्या? वो किस लिए? ये क्या बोल रहा है तू? किसी भी शहर में जाके तू अपनी जिंदगी बसा सकता है? हर मसले की तरह इस मसले में भी साथ देना जरूरी है क्या? कोई दबाव है क्या मेरे ऊपर? तेरे अब्बू भी डॉन है, उसके वालिद भी माफिया है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अच्छे तरह से जानते भी हो, तो बीच में मुझे क्यों घसीट रहे हो? ये तुम लोगों का मसला है, तुम लोग ही मिल करके हल करो, समझे? तुम लोग दोस्त होकर ऐसे कैसे कर सकते हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? बॉबी तुमने सुना इसने क्या कहा? अगर मैं होती तो रो रहा है क्या? बॉबी, बॉबी। क्या हो गया यार? पता नहीं बॉबी, बस तुझसे जुदा हो जाऊंगा इस बात का डर लगता है, जब तक तू है मुझ में हिम्मत रहती है, तुझे देख के मैं अपना सारा दुख भूल जाता हूँ यार, तेरे बाद अकेला हो जाऊंगा, तू है तो सब है मेरे पास यार, तू नहीं रहेगा तो एक बार जान ले तेरा ये दोस्त गारंटी दे रहा कि मर जाएगा। तुझे देखने के बाद से ही मेरे दिल में फिर से जीने की तमन्ना जागी थी बॉबी, तू रहता था तो मेरे दोस्त दिन भर गड़बड़ करता रहता था, तेरे जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा? तेरी याद सताएगी यार। दोस्त यार। तुम्हें एक बुरी खबर दूं क्या? हाँ बता। तुम्हारे बेटे को यशवंत की बेटी उड़ा ले गई। क्या क्या बकवास कर रहे हो? हेलो क्या हुआ जी? कुछ नहीं बताइए ना। बताइए ना। क्या परेशान मत करो। छोटे वो अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हेलो हेलो यशवंत, बोलो। तेरी बेटी बानू को केआर का बेटा भगा कर ले गया, तुझे पता है क्या? अब
ये है ओल्ड बस्ती के सरपंच अमीरगढ़ राजू, BFL इनकी ट्रेवल कंपनी है। मुंबई से राजस्थान ये मुसाफिरों को कुछ खास पैकेज देते हैं। चलिए आइए इनसे मिलते हैं। सुनिए सुनिए, ये केला खाइए। आवाम है, सरपंच हूँ मैं। टांगा चलाने के लिए घोड़े की जरूरत पड़ती है। इनकी गाड़ी दौड़ाने के लिए शायद ये घोड़ी काम कर जाए। अगर ये बाहर खड़ी रहे तो बहुत भीड़ जमा हो जाती है, और अगर इसे गाड़ी के अंदर बिठा दो तो बस भर जाती है। वहाँ तो कोई भी नहीं है जनाब। ठीक है गाड़ी में रख दो। हाँ। अरे यहाँ से मैं बस में बैठी हूँ, आ जाना। बस में सीट मिलेगी बच्चा? चेहरा तो डाकू जैसा लग रहा है, इसका बस चले तो पूरा गाँव बेच कर खा जाइए। अगर मैंने इसे बस में बिठाया ना तो ये सभी लोगों का इंटरव्यू लेने लगेगा, संभल कर रहना होगा। जाओ जाओ बस में बैठ जाओ, जाओ जाओ। जुग जुग जियो बच्चा। अरे छोटो, स्प्रे मार दूं क्या? अरे इस तरफ नहीं, उस तरफ मार। पहले इसके वालिद मेरे वालिद की खिदमत करते थे और वो मर गए तो इसे मेरे सर पर बिठा के चले गए। ये बता मेरी बस की देखभाल कौन करेगा? अरे मैं हूँ ना, मैं करूँगा सरपंच जी। मेरी बस में टिकट तू क्यों काटेगा? तू जा पैसेंजर बुला। उसे भी बुला लूँ क्या? तू ज्यादा मत बोल, चल जा अंदर। ठीक है सरपंच जी। अरे फटीचर, अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आधा किलो टमाटर ले लेता हूँ। अरे क्या भाव है टमाटर, और ये सेब कैसे दिए? चेक करके लोगे क्या? बीच में टांग मत अड़ा। क्या रे, ये कश्मीरी सेब खाने से खून बढ़ता है क्या? एक से नहीं बढ़ता है। यही फोटो खींचता रहेगा तो बस निकल जाएगी, समझा? अरे अमृत, ओ छोटो। क्या हुआ? कौन हो तुम? तुम कौन हो? अरे बाप रे, इन्हें नहीं जानते? मैं बताऊं क्या? हाँ, मैं हूँ यहाँ का सरपंच, अमीरगढ़ ओल्ड बस्ती। तुम्हारा नाम? बॉबी। हाँ? भानुमति। भानुमति बीवी है? भानुमति। भानुमति तुम्हारी बीवी है क्या? भानुमति है। बीवी है ये पूछ रहा हूँ मैं। ये बीवी कैसे हो सकती है? तो फिर ये तुम्हारे साथ क्यों बैठी है? बैठी है तो क्या? अरे कोई लफड़ा होगा। दिखने में बेवकूफ लग रहे हो लेकिन चालाक जैसी बातें कर रहे हो। आप बेवकूफ हैं क्या? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? आप बेवकूफ हैं। तो बताने की क्या जरूरत है? नहीं भाई साहब, ये तो बहुत इज्जतदार आदमी है। सही कहा ना मैंने? चुप रहे। ओके शुक्रिया। तुमको कुछ चाहिए तो बोलना। ओके ओके। हाँ, हम लोग साथ में है ना, इसलिए इन लोगों को जलन हो रही है। भला हमें साथ में देखकर लोगों को जलन क्यों होगी? ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम्हारी फ्रेंड कह रही थी मुझसे। गायत्री और सावित्री, और क्या कहा उन्होंने? तुमने भी तो कहा था। मैंने क्या कहा था? अब वो तो तुम्हारी फ्रेंड्स बताएंगी ना। बॉबी तुम पूरी तरह से पागल हो, और तुम्हारे साथ मैं भी पागल हो जाऊंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। रिलैक्स भानुमति, हम लोग इस तरह कहाँ जा रहे हैं ये तो कोई भी नहीं जानता है। सिर्फ तुम और मैं हनीमून ट्रिप पर जयपुर में घूमेंगे, समझी? और घर वाले हम लोगों को तलाश करेंगे, मसला हल। बेवकूफ। बेवकूफी जैसी बातें मत करो मेरे सामने। तुम जानते हो कि उसे यूएस से इंडिया आए सिर्फ 17 दिन हुए हैं। सिर्फ 17 दिन में वो किसी लड़की के प्यार में फंस जाता है और उसे लेकर के फरार हो जाता है। नॉनसेंस। वो सारी रिपोर्ट मैंने ईमेल पर भेज दिया। वज़ीरे दाखला साहब, मैं KR बोल रहा हूँ। समझ गया। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते की कोई जरूरत नहीं है, उस यशवंत की लड़की के साथ मेरा बेटा फरार हो चुका है। ऐसा नहीं है सर, हमारे ऑफिसरों ने उन लोगों की इंक्वायरी की है सर, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ मत कहना, बहुत बोल लिया तुमने। शांति बनाए रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अब तुम सुनोगे? सुनो, आज मेरी बेटी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे जीते जी उसे कुछ भी नहीं हो सकता। पॉलिटिकल खेल खेलना बंद कर दे, तुम बीच में मत पड़ो। अब इसका फैसला मेरे और यशवंत के बीच होगा। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैं संभाल लूंगा। रहने दो, मैं सब कर लूंगा। मैं अपने परिवार को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में महफूज रख सकता हूँ, समझे? जो खबर लेकर आए उसको अंजाम देख रहे हो क्या हो रहा है? हेलो, मैं वजीरे आला यशवंत बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? यही तेरा नमस्ते मुझे नहीं चाहिए। हाँ, एक बार तुमने समझाया तो मैं खामोश रह गया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मेरी बेटी को उसका बेटा लेकर फरार हो गया। अब तुम खुश हो? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मिनिस्टर। मुझे जैसे ही मैसेज मिला मैंने सिक्योरिटी बढ़ा दी। भाई आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। देना, बंद कर। मुझे वो लड़का चाहिए, चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े।
लेकिन तू उस लड़के को लेकर मेरे पास आएगा, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ ये तू भी जानता है। अब कुछ भी करके उसका पता लगा, समझ गया? ये मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी बात ध्यान से सुन मिनिस्टर, कान खोल कर सुन। तुझे 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ, मेरी बेटी घर पर आ जानी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा, मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगा और उसके जिम्मेदार तुम होगे, विधानसभा को हिला दूंगा उसके यार का। तो इन दोनों को मैंने क्या मिला दिया, मैं खुद मुसीबत में पड़ गया। दोनों के पिल्ले पिल्ली प्यार कर रहे हैं और कुर्सी खतरे में मेरी आ गई। भाड़ में जाइए कुर्सी, मिनिस्टर होने का क्या फायदा है मुझे। अरे पानी अंदर आ रहा है यार। तो आने दो ना, मुझे बस में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। बस में सफर करने का मजा ही कुछ और है ना, और अगर कोई भीगता है तो भीगने दो, मुझे तो बस इस बारिश का मजा लेना है। मैं भी खूबसूरत नजारे देख लूं। अरे चुप रहो ना। ए बॉबी, ए बॉबी, बॉबी, बॉबी क्या कर रहे हो तुम? बॉबी बॉबी आओ ना ऊपर। नहीं नहीं, अरे ऊपर आओ, बरसात का मजा लेते हैं ना। अरे इसके लिए छत पर जाने की क्या जरूरत है बॉबी, नीचे आ जाओ प्लीज। अनुमति, लगता है मैंने एक डरपोक लड़की से प्यार किया है। अरे संभालने के लिए मैं हूँ ना, मेरी बात तो मानो, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? इस छत पर बैठकर हम लोग बारिश का पूरा मजा लेंगे। आओ कम कम, मैं तुम्हें ऊपर खींच रहा हूँ, आओ ना। तुम नहीं मानोगे, चलो आओ संभल के बैठ जाओ। हे, तुम सिगरेट पी रही हो? क्यों, सिगरेट पीना क्या सिर्फ लड़कों का हक है? अमेरिका में रहने वाले लड़के अलग होते हैं क्या? तो इसके लिए तुम्हें भी सिगरेट पीना जरूरी है क्या? तो तुम क्यों पीते हो? मैं क्यों, वो तो मैं अपने शौक के लिए पीता हूँ बस। समझ में आ गया ना, ठीक उसी तरह मैं भी शौक के लिए ही सिगरेट पी रही हूँ। जिंदगी में बोर नहीं होना चाहती, तो मेरा साथ दोगे? तो मैं सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। मुझे अपनी बाहों में भर लो। तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया को भूल जाऊंगा। आओ। अब मेरे अलावा किसी के बारे में मत सोचना। रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला ना। बस के बाकी लोग तो सो गए थे और हम दोनों मस्ती में खो गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। रात भर हम दोनों बस के ऊपर मजे कर रहे थे। अच्छी। तुम्हें भी मजा आया ना? और मुझे भी। अच्छी। भानु तुम क्या सोच रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम दोनों के बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अच्छा भानुमती, कल रात के बारे में कुछ तो बोलो ना, तुम्हें कैसा लगा? प्लीज बोलो ना, बोलो ना। मुझे भी अच्छा लगा। हाँ भानुमती को भी अच्छा लगा। भानुमती को भी भानुमती को भी अच्छा। चुप करो, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, शोर मचाना जरूरी है क्या? मैं कंफ्यूज हो गया था भानुमती, लेकिन अब समझ में आ गया, अच्छे से समझ गया। अब ये बात मैं अपनी डायरी में लिख कर आता हूँ। ए बॉबी, क्या हुआ? पहले थोड़ी सी ब्रांडी ला दो ना। ब्रांडी? अच्छी। वो किस लिए? सर्दी बढ़ रही है। शराब पीना तो बुरी बात है ना? शराब तो बहुत से लोग पीते हैं, वैसे भी मैं पहले कई बार पी चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस इलाके में मिल सकती है क्या? तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो बॉबी। अच्छी। तुम्हारी बात को मैं मना नहीं कर सकता। सच में तुम पियोगी क्या? हाँ। प्यार में किसी का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है भानुमती, लड़कियों को उससे परेशानी हो सकती है। अरे लड़कियों को एडवांस होने के लिए और कैसा रामधन, ये सब करना पड़ता है। हम लोग बच्चे नहीं है, जवान हो चुके हैं। कोई तकलीफ तो नहीं है? अपनी बात कहो ना। ओह अच्छा, ये बताओ पढ़ाई कहाँ से की है? अमेरिका से। अच्छा, वालदेन कहाँ रहते हैं? मेरा कोई भी नहीं है,
तो तुम अकेले रहते हो क्या? ऐसा ही समझ लो। तो खाना पीना कहाँ होता है? अपनापुर में। अपनापुर? और ये कहाँ पर है? आप जहाँ पर रहते हो उसके आसपास ही है। तुम मेरे पास में रहते हो? अपनापुर मेरे बगल में? जी हाँ बिल्कुल। तो बच्चों, मैं अपनापुर का सरपंच अमीर राजू पुरानी बस्ती अपनापुर फतेहपुर। मैं सोच रहा हूँ ये आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। चलो ठीक है, चलता हूँ। हाँ सर, केआर और यशवंत के लोग शहर में दंगा कर रहे हैं सर। पूरे शहर में आतंक फैल गया है। यशवंत का कहना है कि केआर ने उसकी बेटी को अगवा किया है और केआर कह रहा है कि उसके बेटे को अगवा किया है उसने। सर, शहर का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से बाहर है। हमें कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा सर। अरे नहीं यार, बाहर में जाने दो लॉ एंड ऑर्डर को। वो लोग खुद आपस के चक्कर में लड़कर मर रहे हैं तो मरने दो। हम लोगों को उनके लफड़े में क्यों पड़ना है, मरने दो। तुम ध्यान मत दो यार। सुनिए, बॉबी को कहीं देखा है? सुनिए, बॉबी को कहीं देखा क्या? बॉबी को कहीं देखा आपने? अरे वो तुम्हारे साथ था, इनसे क्यों पूछ रही हो? भानुमति। बॉबी, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। बॉबी, मैंने क्या देखा पता है तुम्हें? अरे वो छोड़ो, हम लोग कहीं भी जाए हम लोगों को इसी जगह पर आकर मिलना है। क्यों, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? मैं बेरोजगार दिख रहा हूँ क्या? मजाक मत करो बॉबी। अगर मैं तुम्हें नहीं मिलता तो? अच्छा, तुम मुझे क्या बताने वाले थे बताओ। पहले तुम बताओ, लेडीज फर्स्ट। मान गया, तुम्हारी तरह फिर से मजाक करने लग गए ना। सॉरी सॉरी, मजाक नहीं, सीरियस। वाओ, कितना खूबसूरत है ये बॉबी। तुम्हें अच्छा लगा? अब पहनकर दिखाओ ना। ची, 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 ची। अरे तुम लड़की होकर डबल मीनिंग जैसी बात कर रही हो। ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। तुम्हारे पसंदीदा रंग की शर्ट है। ओ। बताओ कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है, लेकिन कंपनी का नाम तो जैसी सैंड है ना। तो क्या हुआ? ये कंपनी अच्छी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए शर्ट खरीदी और मेरी पसंद की हुई शर्ट तुम्हें अच्छी नहीं लगी, यही ना? ओके ओके ओके, रुको। उसे हिंदी नहीं आती है। ए रुको ना। भानुमति, भानुमति रुको तो, सुनो तो। अब इससे क्या हो गया? कितना अच्छा है ये, पहन लो ना। हाँ, क्यों गुस्सा कर रही हो? छोटी सी बात पर गुस्सा, हंसकर नहीं कह सकती हो क्या? ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? अरे तुम्हें हुआ क्या है? बात मत करो मुझसे। लेकिन क्यों, क्यों नाराज होती हो? मेरी मर्जी। बताओ भी। कहा ना मेरी मर्जी। अरे फिर से वही बात। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। मैं जो शर्ट लेकर आई वो तुम्हें पसंद नहीं आई ना? अरे भानुमति, वो शर्ट तो मुझसे खो गई, अब वो शर्ट कहाँ मिलेगी? कोई चमत्कार होगा तो मिल जाएगी। अच्छा अपना हाथ दिखाओ। अरे वो शर्ट तो मैंने तुम्हें दी थी। क्या है, एक इंटरव्यू दोगे क्या? ये लो। ये तुम्हें कहां से मिली? हाँ पहन कर दिखाऊं? पहनो। कैसा लग रहा हूं? बहुत अच्छे। आप चिंता मत कीजिए, एक घंटे में सब पता लगा लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। मुझे कुछ भी नहीं, प्लीज मैं पता लगा रहा हूं ना। बॉबी को अगवा हुए 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सॉरी रविशंकर, आउट। बकवास करता है। सब लोग वहां इडली डोसा के लिए लड़ रहे हैं, देखो तो सही। नो, नो, नो,
नो 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 अरे दे रहा अरे कब से इंतजार कर रहा हूँ दे रहा हूँ क्या कर रहे हो अरे भाई कौन हो तुम क्या चाहिए तुम्हें चुप करो नो यस नो यस मैं अपना पुर का सरपंच अमीर राजू पुरानी बस्ती से बोल रहा हूँ यस नो 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 टेस्टी है मैडम थोड़ा और खिलाओ ना तुम्हें मेरे हाथों से खाना है अभी खिलाती हूँ इन लोगों को खिलाओ मुझे नहीं खाना है तुम्हारी बीबी भी ऐसे नहीं खिलाई होगी वो तो दाल रोटी बना के घर में अकेले ही खा जाती है तुम्हारा दिल है तो मुझे खिला दो ना हाँ अभी खिला रही हूँ मुँह खोलो डोसा वाली का डोसा तो फाइव स्टार जैसा है और जब डोसा इतना बढ़िया है तो इसका स्वाद कैसा होगा डोसा खाओ डोसा आज मैं बहुत खुश हूँ बहुत 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 खुश मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है आज डर गई ना नहीं खुशी से हंस रही हूँ दिखा नहीं देता ये क्या नहीं कुछ नहीं प्लीज बॉबी दिखाओ ना कुछ नहीं है बोला ना प्लीज नहीं दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा बॉबी दिखा रहे हो या नहीं अच्छा चलो ठीक है दिखाई रहा हूँ ये देखो हटाओ इसे फ्राई करके मसाला डालकर फिर पका कर इसे खाने का मजा ही अलग होता है चख के देख लो ना मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है चलो शुरू करते हैं इसमें से बदबू आ रही है हटाओ इसे क्या कहा हटा दूं इसे गांव गांव से शहर शहर से गली गली से मैं तुम्हारे लिए इसे ढूंढ कर लाया हूं और तुम ये खाने से मना कर रही हो मुझे तो ये बहुत 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 ज्यादा पसंद है जानती हो तुम मेरी मेरी पसंद की चीज तुम्हें पसंद नहीं आ रही तुम मुझसे क्या प्यार करोगी बेकार की बातें मत करो इससे प्यार का क्या लेने देना है लेना देना है बॉबी जो तुम्हें पसंद है वो तुम खाओ जो मुझे पसंद है वो मैं खाऊंगी अब इन सब के बीच प्यार की बात कहां से आ गई प्यारी भानुमती तुम्हारी पसंद तो तुम्हारी है और जो मैं तुम्हारी पसंद को पसंद करता हूं तो अब बताओ कि हम दोनों की मोहब्बत का क्या होगा इसका मतलब हम दोनों में फर्क है इसलिए तुम्हें मेरी पसंद को मानना पड़ेगा पहले ये सब कुछ छोड़ दो मैं सही कह रहा हूं ना सही है ना सही सही है इसलिए तुम मुझे सबसे अच्छे लगते हो भानुमती छोड़ो माँ जीजा जी उनका पता चल गया है वो दोनों राजस्थान में रह रहे हैं जयपुर में हैं साथ में केआर का बेटा भी है ना हाँ जीजा जी बॉबी बॉबी नाम है उसका भानु उसी के साथ है बच्चों हाँ कहिए मुझे अपना बड़ा भाई समझ के मेरी बात मान लो किस लिए वो इसलिए कि बच्ची साड़ी में खूबसूरत लग रही है हिंदुस्तानी होने के मुताबिक औरत के माथे पर बिंदी होनी चाहिए आगे कहिए बोलिए बोलिए तो सुनो बच्चों शादीशुदा औरत के गले में मंगलसूत्र भी होना चाहिए आपने बिल्कुल सही कहा मामू लेकिन अभी वो वक्त आया नहीं है ना बहुत अजीब इंसान हो कुछ भी ढंग से बताने में कतरा रहे हो नहीं मामू कतरा तो नहीं रहा हूँ आप हम पर शक कर रहे हो ना तुम्हारे ससुराल किसी और धर्म के तो नहीं अरे नहीं नहीं मामू ऐसी बात नहीं है तो फिर लड़की किस धर्म की है वही जो इसके वालिद का धर्म है वही धर्म इसका भी होगा ना ओह मजाक करते करते सारी बात टाल रहे हो तुम अरे मजाक करना तो हमारी फितरत है ये अगर किसी और धर्म की होती तो बात अलग होती लेकिन ये हिंदू धर्म की है इसलिए इसके गले में मंगलसूत्र होना चाहिए क्या मामू बाल की खाल निकाल रहे हो अब तो मंगलसूत्र पहनना ही पड़ेगा धर्म के हिसाब से तो पहनना चाहिए
अब तो पहना दो। बहुत मुश्किल है। क्यों? ऐसा है कि ये हम पर यकीन नहीं करती, इसलिए हम भी कभी जबरदस्ती नहीं करते हैं। सीधी बात है। अगर ये लड़की हिंदू है तो इसके वालिद का नाम बताओ। मैंने बताया था ना, जिसने इसको पैदा किया था। और इसकी वालदा का? वो इस दुनिया में नहीं है, वो मंगलसूत्र कैसे पहनेंगी? और तुम्हारे वालदा? क्या बताओ मामू, वो तो फिलीपींस के थे। फिर तो फिर क्या? तो इधर। हाँ फिर यहाँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मामू आपका चश्मा है? हमारे पास है। ठीक है। मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती, वहाँ जाके पूछो, शायद पता चल जाए तुम्हें। मुझे पता नहीं है, जाकर सरपंच से पूछ लो। हाँ मैं ही हूँ, बोलो। इस लड़की को देखा है क्या? अरे इससे तो मैं, अरे तुमसे किसने पूछा? जब पूछेंगे तब जवाब देना। चल जाओ, जाओ ना। हाँ क्यों भाई, बोलो क्या बात है? इस लड़की को कहीं देखा है क्या? इससे तो दिमाग नहीं है क्या तेरे पास? बीच में टांग अड़ाता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। चल जाए यहाँ से, जाके फोटो खींच। जा, समझता कुछ है नहीं और बीच में टपक पड़ता। चल जा। सच कह रहा हूँ सर, यहाँ के सब लोग पागल हैं, इन्हें संभालते संभालते मेरी जान निकल जाती है। हाँ तो आप कुछ पूछ रहे थे? इस लड़की को कहीं देखा है क्या तुमने? याद तो नहीं आ रहा है। अरे फटीचर, जल्दी बस ला जल्दी जल्दी ला जल्दी जल्दी ला। ये चलो 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 जल्दी आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। अरे तेज आ जाओ, होटल के अंदर भी गुंडों ने उन्हें तलाश कर लिया, लेकिन वो लोग कहीं नहीं मिले। आखिर तुम लोग हो कौन?
तुम यशवंत की बेटी और तुम कियार के बेटे हो ना? अरे बाप रे बाप, अगर कोई अनर्थ हो जाता तो मुंबई के गुंडे पूरे शहर में फैल गए हैं। वो लोग तुमको पकड़ के ही रहेंगे। तुम लोग नसीब वाले हो जो उन गुंडों के हाथ से बच गए। पता नहीं आगे क्या होगा। वो लोग जान से मारने में पीछे नहीं हटते हैं। वो लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं। हम लोगों को यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरे कोई मरे या जिए उसे क्या मतलब। बच्चों के लिए पूरे शहर में आग लगा दिया। बहुत खतरनाक लोग हैं वो। अरे कोई जिए या मरे, अपना बच्चा तो सभी को प्यारा होता है ना। तुम दोनों को ढूंढने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बताने के लिए आया है, ये खबर देने आया है तू? शर्म नहीं आई तुझे? ये मनहूस खबर सुनाने आया था यहाँ? उसे मार देता या खुद मर जाता। उसे मारने के चक्कर में अगर तू मर जाता ना, मुझे बहुत खुशी होती। रुकी, समझ गया? कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चली गई? आप पर पहाड़ टूट पड़ा, मुंबई से राजस्थान की बस में बैठकर गई, तो आपने तूफान खड़ा कर दिया यहाँ पर। सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। क्या मैं भाग कर जा रही थी? आखिर आपने मुझे समझ क्या रखा है? हर वक्त 4-5 लोग मेरे आसपास खड़े रहते हैं। मुझे कोई आजादी नहीं है क्या? अगर उस बस में बॉबी भी था तो उसके साथ मेरा नाम जोड़ना जरूरी है क्या? आप लोगों की इस हरकत से मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुक जाओ। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। ठीक है, मुस्कुराती रहना बस। गुस्सा मत करना, उससे कोई भी उल्टी बात मत करना। तुम उसे प्यार से हैंडल करना, बच्चा है। मैं उसकी माँ हूँ जी, ये बात नहीं जानती क्या? देखते जाइए मैं कितने प्यार से हैंडल करती हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या समझते हो अपने आप को? सुबह होते ही घर से निकल जाते हो, किसी को बताते भी नहीं। क्या समझ के रखा है? अपने आप को होशियार समझते हो क्या? कुछ तो शर्म करो। घर के इकलौते बेटे हो तुम, हमारे प्यार का गलत फायदा उठाने की कोशिश मत करो। कुछ समझ नहीं आता? अजनबी लड़की के प्यार में पड़ के तुम अपने माँ बाप को भूल गए हो क्या? वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी प्यारी हो गई है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचा है हम दोनों का क्या होता? ए, तुम्हारे सिवा हमारा है कौन? अपने वालिद को जानते हो ना, तुम उन्हें क्या दे रहे हो? तुम एक दिन हमारी जान लेके रहोगे। तुम इतने दिन हमारी नजरों से दूर क्यों रहे? हम बहुत डर गए थे। मैं उसे अपना बना सकूं? उसे मैंने अपने लोगों से भी बचाया है मम्मी, तुम्हारे आशीर्वाद से इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए। मेरी जिंदगी दांव पर तो लगी गई है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं होगी। कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना बेटा। वो लोग शैतान हैं। होने दो ना मम्मी, कोई बात नहीं। उस्ताद की खिदमत भगवान से बढ़कर है, यही धर्म कहता है। वालिद जो सोचते हैं वही करते हैं। मैं भी उन्हीं की तरह हूँ ना, खुद की हिम्मत से बढ़कर दुनिया में और कोई ताकत नहीं है। तुम्हारे प्यार से मुझे हिम्मत मिली है मम्मी। पापा और यशवंत की दुश्मनी हम खत्म करके रहेंगे। बॉबी, तू बहुत होशियार हो गया है और बड़ी बड़ी बातें भी करने लगा है, पर माँ का दिल क्या होता है तुझे नहीं पता। तुम मेरी माँ हो ना, ये जंग में जीत के रहूंगा और अपना प्यार भी हासिल करके रहूंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। सीमा, सीमा, दादी माँ। आप सीमा की दादी हैं ना? दरअसल सीमा मेरे साथ थी, आप उससे पूछ लीजिए। सुना है हम दोनों के नाम पर बहुत बवाल हुआ था, कुछ लोग उसे मारना भी चाह रहे थे, लेकिन मैंने बचा लिया। ओ अंकल, हाय अंकल। भानुमति घर पर है क्या? वो मेरे साथ ही राजस्थान वाली बस में बैठी थी, वहां भानुमति अपना ये लॉकेट भूल कर आ गई थी। इस लॉकेट में उसके वालिदैन यानी आप लोगों की फोटो है, देखिए ना। अरे तुम भी यहीं पर हो, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। ये लो, ये तुम्हारा लॉकेट। मेरा ये पर्स तुम्हारे पास है, इसमें तो मेरे सारे दोस्तों का पता है। ये पर्स तुम्हारे पास कैसे आ गया? हाँ, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? रात भर सोई नहीं हो गया? अच्छे से सो जाना। ठीक है मम्मी ने तुम्हारे लिए साड़ी भेजी है, इसे शाम को पहनकर घर पे आना। अगर इसे पहनकर आओगी ना तो मम्मी बहुत खुश हो जाएगी। चलता हूँ। Hey! क्या हुआ अंकल? मेरे ही घर में आकर मेरे ही सामने तुमने मेरी बेटी से बात की, तुझे डर नहीं लगा? अरे अंकल, मैं किसी से भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं। कहावत तो सुनी होगी, जो डर गया समझो वो मर गया, है ना? वैसे अंकल, मुझे आपसे डर क्यों लगना चाहिए? क्या कर लोगे आप मेरा?
अरे मैं तो जेंटलमैन हूँ, इज्जत से भानुमति से मिले, आपकी इज्जत भी की, इसमें गलत क्या है? ऐसा क्या किया है मैंने? मरने से तो मैं डरता नहीं, और मौत से बड़ी सजा क्या होगी? चाहे दिन हो या फिर आधी रात हो, मौत से खेलने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। जो मौत से डरता है वो जिंदगी क्या जिएगा, ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए ये जवानी, ये हिम्मत, ये बेडरूम में लाइट बंद करके छुपाने वाली चीज़ तो नहीं है। मैं मारता नहीं हूँ, अगर कोई मारता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, फिनिश। अपनी लाइफ का यही फंडा है। और तुम लोग घूर क्यों रहे हो? तुम लोगों को पीठ दिखा कर भागा था मैं? छोटी सी भी गलती करता तो मैं आपके पास भाग कर आता और आपका पैर पकड़ लेता और आपसे कहता कि अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अपनी बेटी अपने पास रखी है, ठीक है? लेकिन आपने अपने गुंडे भेजे ही क्यों, किसे मारने के लिए? तो मजबूरी में मुझे उन सबको अपने तरीके से जवाब देना पड़ा, और मैं क्या करता? आप इनसे ही पूछ लीजिए, नामुमकिन। आपका जवाब सुने बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब तक जो होना था वो तो हो चुका है, आगे आपकी मर्जी। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप डिसीजन सही लेना। हम बुलेट का टायर देखा है ना, घूमते 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 बस रुक ही जाता है। आपने फिल्म में देखा होगा खून कैसे धड़ाम से निकल आता है। मैं टी शर्ट निकाल रहा हूँ, फिर ये बनियान भी निकालूंगा, फिर मेरा खून बाईपास होकर सीधा नीचे गिरेगा और फिर मेरी बॉडी आपके पैरों पर धड़ाम से गिरेगी। आपको इसका तजुर्बा भी है, आप बॉस की तरह बैठे हैं, आप हुक्म भी दे सकते हैं, एक ही सेकंड में आपके आदमी मेरी जान भी ले सकते हैं। क्या सोच रहे हो अंकल, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ मत सोचिए, मुझे तड़पते देखने के लिए सिर्फ एक बुलेट काफी है, जस्ट वन बुलेट। देखिए मैं ये बात बहुत ही सीरियस होकर कह रहा हूं, क्या सोच रहे हैं, जस्ट वन बुलेट। अरे क्या अंकल, मैं इतना सीरियस होकर बोल रहा हूं और आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, चलता हूं दोस्तों, बाय दादी माँ। और भानु मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, तैयार रहना। क्या सच में? धमाकेदार खबर है सर। क्या है दयाल, यशवंत ने केआर से हाथ मिला लिया, यही ना? नहीं सर, वो केआर का बेटा बॉबी है ना। हाँ, उसने कोई बखेड़ा किया? अरे क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ तो फिर? और वो यशवंत की बेटी भानुमति। क्या कहा? हाँ सर, केआर का बेटा यशवंत की बेटी से बात करने के लिए उसके घर तक पहुँच गया। यशवंत की बेटी से बात करने के लिए घर तक पहुँच गया? अरे यही तो धमाकेदार खबर है सर। अरे रे रे रे, ये तो मुमकिन नहीं है, कोई कहर नाजिल होने वाला है। कहर टूटने से पहले कोई इंतजाम करो यार। उसकी हिम्मत देखी तुमने, केआर का बेटा है, सीधा घर में घुसकर हम सबकी धज्जी उड़ाकर चला गया है, कमीना। सब लूट कर ले गया वो, फटाक फट गया ना लूले का। अरे कल वो इस खानदान का जब दामाद बन जाएगा तब क्या होगा, हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे, डमरू बजाएंगे डमरू और साथ में घुंघरू। चिल्लाइए मत, कुछ नहीं करेंगे। ए तू गुलामी किसकी करता है? दारू और मटन पाकर हम लोग बस नौकर के नौकर रह गए, बस ऐसे गुलामी करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं लूले को, सबक सिखा करेंगे। भाई तुम्हें चढ़ गई है, चुप हो जाइए। अरे क्यों चुप हो जाऊं मैं, क्या कर लेगा वो? भाई जीजाजी ऊपर है, सुन लेंगे। अरे तो सुनता है तो सुनने दे, पहले तू ये बता कि तू मेरे साथ है उसके साथ, जल्दी बता बोल। भाई हम दोनों जीजाजी के साथ ही है ना। तभी तो आग लगी है मेरे अंदर, वो माजूर है ना, एक हाथ का लूला कमीना, उसने हमारे साथ बहुत गलत किया, उसकी तो धज्जी उड़ा दूंगा। अरे जीजाजी, हां जी जी, हां जी, उस फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट अपने रेड्डी को देना है, उसका टेंडर भी आ गया है, उसे फोन करके कहो आकर ले जाए। हां हो जाएगा। और सुनो। हाँ जी जी, मुझे शोर पसंद नहीं है, समझ गए ना? तुम भले ही अमेरिका से आए हो पर सबको घुमा के रख दिया तुमने, उस यशवंत का बैंड बजा दिया तुमने। बॉबी। हे भानु, तुम घर पर आकर वालिद से डायरेक्ट बात कर रहे थे, मैं कितना डर गई थी, पता है तुम्हें? नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं, जब तुम वहां ड्रामा कर रहे थे तब मेरी तो सांसें ही थम गई थी। मेरा इतना छोटा सा नाटक देखकर तुम इतना डर गई थी, तुम्हारी सांसें थम गई थी। इन दोनों दुश्मनों को मिलाने की कोशिश अगर तुम नहीं मिलती तो शायद नाकाम हो जाती। यही तो मैं भी चाह रही हूँ, मौत तो इंसान को एक ही बार आती है, दोनों परिवार का डर मन में लेकर जीने से अच्छा है कि हम दोनों मर जाएं। गलत करने वाले मरते हैं भानो, सच के साथ चलने वाले नहीं, और अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए ना तब भी मुझे कोई गम नहीं है, इसलिए मैं इस जंग में सर पर कफन बांध कर उतरा हूँ। मुझे यह जंग जीतनी है, मैं किसी कीमत में हारूंगा नहीं, समझ गई? बस तुम मेरा साथ देना भानो। बॉबी बहुत हिम्मत वाला है, बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह है। पता है जब हम जयपुर में रह रहे थे तब भी इसकी शरारत बिल्कुल कम नहीं हुई थी,
और जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तब हमारी बस को रास्ते में कुछ बदमाशों ने अचानक से घेर लिया। सब लोग बहुत घबरा गए थे अंकल, सच कह रही हूँ। उस दिन को तो मैं कभी नहीं भूल सकती, बहुत मजा आया था मुझे। आपको पता है अंकल, ऐसा नजारा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था, कमाल का तजुर्बा था। और आप जानते हैं, वो सब सोच रहे थे कि मैं अपने वालिद को छोड़कर भाग गई हूँ, बेचारे। उसके बाद पता है क्या हुआ, मेरे वालिद के लोग वहाँ आ गए अंकल जी, और फिर बॉबी और उन लोगों के बीच धमाकेदार फाइट हुई। मेरे वालिद के सामने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। जिंदगी में आज तक मैंने कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन उस वक्त बॉबी की हिम्मत देखने लायक थी। बॉबी ने तो कमाल कर दिया, है ना आंटी? तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा बेटी। ओके आंटी, बाय। बाय बेटा। बाय अंकल। बेबी, कम हियर। मुझे बुला रहे हैं अंकल? आओ तो, जाओ ना। जाओ बेटी। तुम मुझे पसंद है बेटी, मेरी बहू बनोगी क्या? पापा, मुझे बॉबी बहुत अच्छा लगता है, मैं बॉबी के बगैर नहीं जी सकती। हमें कभी अलग मत कीजिएगा प्लीज। चलती हूँ मम्मी। अपना ख्याल रखना बेटा। मैं भानु को छोड़कर आता हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ जी, ऐसे उदास क्यों हो गए? देवी, मैं अपनी जिंदगी गुजार चुका हूं, पैसे भी बहुत कमा लिए, अब जो करना है बॉबी और भानुमति के लिए करना है। आज हमें जो भी खुशी मिली है वो सब इनकी बदौलत ही मिली है। मुझे नहीं लगता है कि वो यशवंत मानेगा, वो जरूर मना कर देगा। मुझे कुछ करना होगा। तुम मेरा साथ दोगे ना? कोई बात नहीं जी, फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसी हो दादी माँ, ठीक हो ना? हाय अंकल, ये रही आपकी बेटी, संभाल कर लेके आया हूँ। आपकी प्यारी लाडली बेटी है ये, हमारे वालदेन को बहुत पसंद आई है। हमारे वालदेन तो आपकी भी बहुत तारीफ कर रहे थे। सब कुछ सही हो गया, मैटर क्लियर। चलता हूँ अंकल, चलता हूँ यादव जी। बाय दादी। बाय बाय भानु। जीजा जी, एक बार इशारा कर दीजिए। जीजा जी, उसकी बोटी बोटी कर दूंगा मैं। कुछ तो बोलिए जीजा जी, जवाब दीजिए जीजा जी। ये कल का छोकरा हम लोगों को नीचा दिखा रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है। यशवंत के नाम से पूरी रियासत कांपती है जीजा जी, लोग हम पर थूकेंगे जीजा जी। मुझे उसे हर हाल में सबक सिखाने होगा जीजा जी। दुश्मन हमारे घर में घुसा है जीजा जी, उसकी चाल है ये जीजा जी। उसका कुछ तो करिए जिया जी, उसका कुछ तो करिए जिया जी, नहीं तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, बैठिए बताते हैं। बच्चे तो नादान हैं, लेकिन हम लोग तो समझदार हैं। बैठिए ना। रीति रिवाज के बारे में मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जी रहा हूं। उसकी परवरिश तो आपने ही की है ना? उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसकी माँ नहीं है। एक बिन माँ की बच्ची को आपने ममता दी है माँ, सगी बेटी की तरह। मैं अपनी खाल उधेड़ कर भी आपके लिए चप्पल बनाकर ले आऊं, तब भी आपका कर्ज नहीं उतार सकता। कुछ मत कही, मैं उसका बाप हूं माँ, सगा बाप हूं माँ। उसकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। मैंने जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, अब एक नेक काम करना चाहता हूं। सीमा उसके साथ बहुत खुश है, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अच्छा माँ, वो जो सारी चीजें होती है ना रस्म के लिए, वो सब तो केआर के यहां से। हाँ तो आपको केआर से डर लग रहा है ना माँ? हाँ। कि वो मुझे मार देगा, लेकिन अपनी सोने जैसी गुड़िया को तो अपना लेगा ना। वो किसी रिश्ते की आड़ में मुझे जान से मार देगा, धोखा से मार देगा, यही सोच रही है ना? अगर मेरी बेटी की खुशी के लिए कोई मेरा सर भी मांग लेना, तो मैं अपना सर काटकर थाली में सजा कर दे दूंगा।
माँ आप जाकर बात कीजिए। ये हाँ। क्या बोल रहे हो जिया जी? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं हम दोनों बात कर रहे हैं ना, चुप रहो। ये नहीं होगा, वो मेरा दुश्मन है, वो आपका दामाद नहीं बन सकता। ये शादी कभी नहीं होने दूंगा मैं, कभी नहीं। चुप, खामोश, चुप। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? मेरे ही घर में रहता है, मेरा ही नमक खाता है और मेरे ही बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। हाँ? यहाँ रहना है तो मेरे तरीके से रहे, वरना बाहर निकल जा, निकल जा। जो मेरी बेटी के खिलाफ बोलेगा वो यहाँ नहीं रहेगा। उस केआर के बेटे से मार खाकर और डर कर वापस आ गए थे तुम लोग, और मैं डर कर उस केआर के बेटे से रिश्ते की बात ना करूं? अरे मैं कोई नामर्द नहीं हूँ, वर्करों की फौज खड़ी कर दूंगा। कुछ भी हो शादी होगी, देख लेना। हाँ, तेरे ना चाहने पर भी होगी। अपने बलबूते पर मैंने इतनी तरक्की की है और आज भी मैं अपने बलबूते पर जी रहा हूँ। अपनी बेटी के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सुन, अगर मैं आज तक जिंदा हूँ तो सिर्फ अपनी इस लाडली बेटी के लिए। मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और इसके लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ। मेरी बेटी की खुशी के बीच अगर कोई भी आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समझ गया? यह भी नहीं सोचूंगा कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। सुनिए माँ, आप सीमा को संभालिए, मैं केआर से बात करके आता, फिक्र मत करो बेटी। भाई जान, अरे अब क्या होगा पता नहीं, तुम्हारे वालिद वहां अकेले चले गए। बेटी कुछ समझ में नहीं आता मुझे। सर सर, मैं साथ में चल रहा हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। नहीं सर, उस यशवंत का कोई भरोसा नहीं है। कुछ भी हो जाए मैं साथ में चलूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। पहले से ही बहुत गलतियां कर चुका हूं मैं, अब और नहीं। ये गलती सुधारने का वक्त है, गलती बढ़ाने का नहीं। ये मेरा मसला है, मैं संभाल लूंगा। चलो, बॉबी कहाँ है? बॉबी सुबह ही कहीं निकल गया। अरे रे रे, बाहर जाने से पहले एक बार बॉबी का चेहरा देखना चाहिए था। सुबह देख लेता तो अच्छा था। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं वहां अकेले जाऊंगा। ये सीमा की जिंदगी का सवाल है, समझ गए? उसे फोन करके कहो कि मैं उससे मिलने आ रहा हूं। ठीक है जीजा जी। अपने भाई को समझा दो, गुस्से पर काबू रखे। ठीक है। अरे कहाँ ऊपर चला गया, नीचे आना यार। अभी आ रहा हूँ बॉबी, अभी आ रहा हूँ। आ रहा हूँ बॉबी, बस मैं पहुंच गया। ओ, ओ, ओ। अरे क्यों आया? अनुमति चाहिए तुझे? मेरा मेरे घर में रिश्ता करेगा, अनु से शादी करेगा। अनु से अनु चाहिए तुझे, बोल बोल ना। देखता हूँ कैसे होती है शादी, सामने आ। बॉबी, इस कमीने को मैं देख लूंगा। नहीं। क्या देख रहा है रे, डर गया क्या? ओ, मुझे सामने देख के होश उड़ गए क्या तेरे? अरे बोल ना, मर था तो मर, माँ का दूध पिया था सामना कर। हिम्मत नहीं है इसके अंदर, मर्द नहीं है ये, कायर है कायर। देखो भाई, तुम्हारे साथ मेरी दुश्मनी नहीं है, वापस चले जाओ, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। ए, तू होता कौन है मुझे भेजने वाला? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। डिस्को डिस्को करूंगा, भरतनाट्यम करूंगा। उस दिन बहुत चिल्ला रहा था ना तू, अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा रे। ये मेरा पैर है, इसे पकड़ के तू माफी मांग। वादा कर रहा हूं बॉबी, तेरी जान बख्श दूंगा मैं। बॉबी, इसकी तो मैं जान से मार दूंगा। यही चक्कर है तेरा, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस सब के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं देख लूंगा। अरे यार बॉबी, मैंने बोला ना मैं देख लूंगा, तू बस खड़ा रहे। भाईजान यहाँ से चलिए, नहीं तो मसला हो जाएगा। मेरी बात, अरे तू हट यहाँ से। अरे बोल ना, इतना घबरा क्यों रहा है तू? अरे घबराएगा तो मुझसे मुकाबला कैसे करेगा तू? तेरी और उसकी शादी कभी नहीं हो सकती, समझा तू? मेरी दीदी को तेरे बाप ने मारा और अब तू दादागिरी दिखा रहा मुझे। ये रिश्ता नहीं होगा, नहीं होने दूंगा मैं। देखो, तुम मुझसे नाराज होना
ठीक है, तो क्या करना है? गुस्सा उतारना है ना? हो गया ना, चलो प्लीज जाओ। अरे बॉबी, अरे यार तुझे खून बह रहा है। अरे कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। तूने मेरे दोस्त को मारा, जान ले लूंगा मैं तेरी। बस कर, तू चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ। बात समझने की कोशिश कर। झगड़े से अच्छा है कि बात करके मामले को सुलझाया जाए। अगर मुझे यही करना होता तो मैं ये कब का कर चुका होता यार। ये भानुमती के रिश्तेदार हैं, समझ गया ना? सो प्लीज चल जाना। देखो तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन उससे मेरे दोस्त का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें हमसे दुश्मनी निकालनी थी तो तुमने मुझे मार लिया। ओके, हिसाब बराबर हो गया है, अब मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं। गुस्सा थूक दो यार, मैं शर्मिंदा हूं। अब सब कुछ भूल जाओ प्लीज। ए बाबू, देखो बहुत हो गया। भानुमती चाहिए तुझे? मेरे घर में रिश्ता करेगा तू? भानु से शादी करेगा? भानु से करेगा? भानु चाहिए तुझे? बोल। अरे बोल, क्यों नहीं रहा है? ए बोलना। भानु चाहिए, भानु से शादी करेगा तू? करो तेरी शादी, ये तेरे लिए पहला सबक है भाई। अगर तुम्हारा तेरी तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। छोड़ूंगा, तूने मेरे दोस्त को मारा, छोड़ूंगा मैं तुझे, छोड़ूंगा। मेरे दोस्त को हाथ लगाएगा, मेरे दोस्त को हाथ लगाएगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। कोई छुड़ाओ उसे, मार डालूंगा तेरी गर्दन, काट डालूंगा मैं। अरे बॉबी बच गया यार, वो मैं इसे मार नहीं सका, बॉबी बच गया वो। ए जाय बॉबी, ये क्या किया बॉबी? नहीं, उसे छोड़ना, छोड़ना मत। नहीं जैक, नहीं जैक, ए जैक, ए जैक कहाँ जा रहा है? क्यों मारा, क्यों मारा तूने उसे? लौट। दोनों हाथ से नमस्ते नहीं कर सकता हूं, एक नहीं है, कट गया एक्सीडेंट में। उस वक्त मेरी बीबी भी मेरे साथ थी। मेरी बीबी लक्ष्मी मर गई,
एक्सीडेंट में। आपसे रिश्ते की बात करनी है, आइए ना, बैठिए बैठिए भाभी, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। हाँ मैं भी बैठ रहा हूँ। आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? आप खड़ी क्यों हो गई? बैठिए ना, मेरी आदत है, मैं बचपन से नीचे बैठते आया हूँ। उस भगवान ने मुझे छोटा बनाया है, इसीलिए मैं हमेशा नीचे बैठता हूँ। हाँ बैठिए। मिल गई, मिल गई, हाँ मिल गई, हाँ इधर ही। बच्चे घर छोड़कर भाग गए, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। क्या करें, ये उम्र ही ऐसी है। मेरी बेटी मासूम है, मां भी नहीं है, उसे ना तो मां का प्यार मिला ना ही दुलार, सिर्फ आपके। आपके बेटे के साथ मैंने अपनी बेटी को खुशी से हंसता खेलता देखा। मेरी बेटी को आप लोग अपना लीजिए। अगर आपको ये सर चाहिए ना, तो मैं थाली में सजा के बदलती। तुमने यहां तुमने माथे पे क्रिमिनल लिख दिया, और जानते हो जिसे क्रिमिनल बनाया आज उसी क्रिमिनल के पैरों में आकर क्यों बैठे हो तुम? बॉबी की वजह से। अब और नहीं, दुश्मनी खत्म। निकलो यहां से भागो। बॉबी मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। नहीं बॉबी, यशवंत और केआर दोनों साथ में दिखे? हाँ सर, ये खबर मुझे अभी मिली है, वहाँ बहुत भीड़ थी, अब ये क्या कर बैठेंगे कुछ पता नहीं। आप परमिशन दे तो खास पुलिस फोर्स बुलाकर पूरे शहर में तैनात कर दूं। कुछ मत करो, कोई लफड़ा नहीं होगा, पुलिस को तकलीफ मत दो। जहाँ पर वो दोनों मिल जाएं उनकी इंक्वायरी करो, मार्किंग करो, प्रेस में फोटो दो। हमारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर दयानाग को बुलाने पर हमारी बटालियन से गुंडों का मुठभेड़ करा दो। ना ही केआर के ग्रुप का और ना ही यशवंत के गिरोह का नाम आना चाहिए। काबू करने के लिए पुलिस के जवानों ने उन पर जवाबी फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में यादव मारा गया, यह बात पूरी मीडिया में फैला दो। पुलिस ने अपनी सुरक्षा में ये काम किया है, आगे का काम इंस्पेक्टर दयानाग संभाल लेंगे, ये मैं कह दूंगा। किसने मारा उसे तुम लोग नहीं जानते? नहीं जानते हो? अरे वो कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या इस शहर में यशवंत से भी बड़ा कोई बाप पैदा हो गया है? साथ में कौन था? कौन था साथ में? केआर ने मेरे साथ ऐसी चाल चली? नहीं छोड़ूंगा उसे, आज तो मैं उसे जान से मार दूंगा। सीमा कहाँ है? ऊपर है भाई, ऊपर है। मैंने उसके कमरे पे नजर रखी है भाई। अब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। ए केआर, मैं आ रहा हूं, तुम लोग अब नहीं बचोगे। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो मेरा नाम यशवंत नहीं,
चुन चुन के मारूंगा। ऐसा लग रहा है कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। हर किसी के साथ अब सख्ती से निपटो, चाहे वो कोई भी हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने मेरे भाई को तो टपका दिया, अब वो मुझे भी टपका देगा, मुझे भी मार डालेगा यार, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। डर क्यों रहा है? भाई तो चले गए, चले गए भाई। हाँ यार, चले गए भाई। अगर मैं डर गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, मैं डर गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। शहर में पहले से दंगा चल रहा है, ड्यूटी तो जा चुकी है, भाई भी चले गए। ये सब बॉबी की वजह से हुआ है ना, हथियार गोला बारूद सब कुछ भरा है, वो बचना नहीं चाहिए। Hey शेट्टी, तुम सर को ये बता दो कि बॉबी अभी सेफ है, समझ गए ना? जी सर। वेंकट यहाँ आओ। सर, तुम बॉबी का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। सर, मैं भी साथ में चलूंगा। जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, समझे? जी जी, जी सर। hey देवेंद्र, तुम लोग मेरे साथ चलो। सर, सर, एक खुफिया जगह पे बॉबी को बचाकर हम लोगों ने सेफ रखा है सर। बॉबी, बॉबी कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है सर, आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है। तुम वहीं जाओ, जाओ। ठीक है सर। संभल कर जाना। हाँ सर। हे, हाँ? यशवंत कहाँ है? पता नहीं, वो कहाँ छुपा है सर, मैं देखता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, सब खत्म हो गया। तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है बेटी, सब कुछ तुम ही हो। इतने लाड़ प्यार से पाला है तुम्हें उसने, बहुत चाहता है तुम्हें। जाओ बेटी, भाग जाओ यहाँ से, बॉबी के पास चली जाओ, वरना सब लोग मारे जाएंगे। अगर बच भी गए तो हम लोगों की जिंदगी बहुत ही खराब होगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम चली जाओ बेटी, जाओ, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो बेटा। सीमा कहाँ है? ये आपके घर की इज्जत है, संभालिए इसे। भाई, इसका क्या करूं? वजीर दाखला ने शूट ऑन साइट का ऑर्डर दिया है, वक्त रहते संभल जा, चल जा, सामने मत आना। बॉबी, 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 अरे बॉबी, बॉबी रुको, बॉबी बात सुनो।
बॉबी 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 साथ मरेंगे कहा था ना।